हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स फुल सिलेबस टेस्ट, फोर्थ टेस्ट 04। तो इसमें पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखेंगे तो आप सीक्वेंस और सीरीज का सवाल है, बेसिक मैथमेटिक्स का सवाल है। सबसे पहली बात ये समझना है देख के कि सवाल है किसका। तो ये सवाल जो है ये बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़ाते हैं, और एक सीरीज दी हुई है। सीरीज का पहला टर्म है जिसको कि हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वन। उसके बाद दूसरा टर्म हाफ है, तीसरा टर्म 1/4 है, चौथा टर्म 1/8 है। तो अपने को पहचानना पड़ता है। अपने कोर्स में दो ही टाइप की सीरीज है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और दूसरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। एपी में क्या होता है कि दूसरे टर्म और पहले टर्म का डिफरेंस, तीसरे टर्म और दूसरे टर्म का डिफरेंस, ये कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर दूसरे टर्म में से हम पहले टर्म घटाएं, यानी 1/2 में से 1 घटाइए, तो हाफ माइनस हाफ आएगा। सिमिलरली 1/4 में से तीसरा टर्म है तो 1/4, और दूसरे टर्म में 1/2, 1/4 माइनस 1/2 करेंगे तो माइनस 1/4 आएगा। तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एपी तो नहीं है। तो जरा जीपी का टेस्ट कर लेते हैं। जीपी के टेस्ट के लिए हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/2/1, तो हाफ आएगा आपके पास। सिमिलरली थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म डिवाइड करेंगे, 1/4/1/2, अगेन यू विल गेट हाफ। तो ये जीपी का टेस्ट तो पास कर रही है। तो सीक्वेंस, ये जो सीरीज गिवन, जो नंबर्स नंबर्स की सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और इनफाइनाइट जीपी का सम बहुत पॉपुलर है। इनफाइनाइट जीपी एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसका फॉर्मूला अपने पास होता है ए डिवाइडेड बाय 1 - r, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम लोग रीड कर सकते हैं कि पहला टर्म जो है वो 1 है, तो a की जगह तो 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 1 - r। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो होता है दूसरा टर्म अपॉन पहला टर्म, या फिर तीसरा टर्म अपॉन दूसरा टर्म, कैसे भी निकाल सकते हैं कॉमन रेशियो को। तो कॉमन रेशियो अपना आ जाएगा, दूसरा टर्म है 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो कॉमन रेशियो विल बी हाफ। कॉमन रेशियो इज हाफ, तो 1 a अपॉन 1 - r, यानी 1/1 - 1/2, तो यू विल गेट द आंसर 2। तो थर्ड ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल assertion reason का है, और वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है। बोल रहे a और b दो वेक्टर्स हैं, इनका सम r वेक्टर इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर दिया हुआ है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट दिया हुआ है, ए वेक्टर 3 है और बी वेक्टर 4 यूनिट है। देन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी में भी 270 पूछ रहा है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। देखिए, दो वेक्टर्स के सम का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप, और दो वेक्टर्स के सम का अपने को फॉर्मूला पता है कि अपने पास अगर दो वेक्टर है, एक पहला वेक्टर है ए और सपोज दूसरा वेक्टर है बी, और इनके बीच में वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि 5 है, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज 3, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि 3 है, सो ए इज इक्वल ए स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, बी का 4 है प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 ये भी 25 प्लस 24 कॉस थीटा, और यहां से हम कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे अगर, तो अपने पास कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0/24, यानी कि 0, यानी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। तो इसलिए assertion जो है, तो assertion में बता रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 270 डिग्री है, तो ये assertion तो गलत हो गया। एक बार रीजन को भी टेस्ट कर लेते हैं, रीजन में क्या बोल रहे हैं। रीजन में बोल रहे हैं आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड इफ आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद बी वेक्टर, देन द एंगल देन वेयर थीटा इज, इफ आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है विद बी वेक्टर, थोड़ा सा करेक्शन कर लें, विद वेक्टर बी, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। इसमें ये बताया है कि पहला वेक्टर मान लीजिए कि ये बी वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ए वेक्टर है,
तो ट्राइंगल रूल से अगर हम ऐड करें इसको, तो अपना रिजल्टेंट जो होगा वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दीजिए, तो रिजल्टेंट अपने पास ही आ जाएगा। और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, एंड ये ट्राइंगल देख लीजिए, मान लीजिए ये है ए बी सी एंड डी, तो जो सी डी लेंथ होगी हमारे पास, तो सी डी लेंथ विल बी इक्वल टू बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, सी डी विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा, और इस पॉइंट को बी डी दिस मच बी डी विल बी इक्वल टू ए बी डी विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो अपने को रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर बी के साथ, रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर बी के साथ मतलब वो इस एंगल की बात कर रहा है, इसको मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है टेन अल्फा का, सो टेन अल्फा विल बी इक्वल टू सी डी, सी डी मीन्स दिस मच लेंथ डिवाइडेड बाई ए डी, और ए डी कितना हो जाएगा ए बी, ए बी यानी कि बी है प्लस बी डी, तो टेन अल्फा की वैल्यू अपन कैलकुलेट यहां से कर लेंगे, तो टेन अल्फा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल ले लीजिए तो कॉट अल्फा अपने पास आ जाएगा, वी विल हैव कॉट अल्फा इज इक्वल टू बी प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा बी अपॉन ए कोसेक थीटा, बी अपॉन ए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अगर हम असर्शन रीड करें इसमें, असर्शन तो गलत हो गया लेकिन रीजन इसमें रीजन सही है, सो फोर्थ ऑप्शन होगा। वाटर राइजेज इन ए वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब अप टू ए लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इफ द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। देखिए लिक्विड का राइज कैपिलरी में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, लिक्विड का राइज कैपिलरी में सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है, और जो हाइट होती है कैपिलरी की ये ऐसा मेनिस्कस का शेप, तो अपने पास हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई आर रो जी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पे जो कॉस थीटा है, थीटा यहां पे वो कैपिलरी ट्यूब का एंगल नहीं है, थीटा यहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस पे डिपेंड करेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा एग्जैक्टली। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब यहां पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है तो वो ये एंगल थीटा है, तो लिक्विड का राइज लिक्विड की हाइट कैपिलरी ट्यूब में 2t cos थीटा अपॉन r rho g। उनका ये कहना है कि अगर इस ट्यूब को इंक्लाइन कर दिया जाए, तो अगर आप इसको इंक्लाइन कर देंगे तो जो हाइट होगी दैट विल रिमेन द सेम, दैट विल नॉट चेंज, क्योंकि हाइट कैपिलरी ट्यूब के एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये एंगल इन्होंने दिया हुआ है अल्फा, सपोज ये एंगल अल्फा एंड इट दिस अल्फा इज गिवन एज 45 डिग्री, सो दिस हाइट विल रिमेन द सेम। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि लिक्विड लेवल लिक्विड की लेंथ कितनी होगी कैपिलरी में, तो लेंथ मान लीजिए कि आपके पास होगी एल, और सामने ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से हम लोग लिख सकते हैं एच बाई एल दिस इज इक्वल टू साइन 45। सो इवन व्हेन यू इंक्लाइन मेक एन इंक्लाइन ऑफ 45 डिग्रीज, इंक्लाइन द कैपिलरी ट्यूब एट 45 डिग्रीज, द हाइट ऑफ लिक्विड विल रिमेन द सेम, लेकिन लिक्विड कॉलम की लेंथ चेंज हो जाएगी, तो लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, लेंथ विल बी इक्वल टू एच अपॉन साइन 45, और h कितना दिया हुआ है, h अपॉन साइन 45, h की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, साइन 45 कितना है 1/√2, सो l हमारे पास आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, तो इस केस में सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ टेम्परेचर डबल्स द एमिटेड रेडिएशन विल बी, पहले तो समझिए टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर डबल कर दिया है और एमिटेड रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये स्टीफन्स लॉ का है, यहां पे हम लोगों को कौन सा फिजिक्स का लॉ यूज करना है, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या बताता है, स्टीफन्स लॉ ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो
इसका टेम्परेचर टी है, इसका टेम्परेचर टी अगर जीरो केल्विन के ऊपर है तो हर टेम्परेचर जीरो केल्विन के ऊपर टेम्परेचर कोई भी बॉडी है तो वो रेडिएशन एमिट कर रही है. एंड रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेट एट विच रेडिएशन आर इमिटेड और एनर्जी इज इमिटेड, दिस इज गिवन बाय ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4. ई बॉडी के नेचर पर डिपेंड करता है, एमिसिविटी बोलते हैं, और अगर बॉडी ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू हो जाती है 1, एंड ई इज लेस देन 1 फॉर नॉर्मल बॉडी. ए बॉडी का सरफेस एरिया हो गया, टी बॉडी का टेम्परेचर है, सिग्मा इज स्टीफेंस कॉन्स्टेंट. सो रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए बॉडी इट इज गिवन बाय ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4. सो टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल है. अब उन्होंने ये बोला कि टेम्परेचर डबल कर दिया, मतलब ये जो टी के स्थान पे आपने कर दिया है 2T. टेम्परेचर अगर आप डबल कर देंगे तो देखिए रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन कितना हो जाएगा. तो टी की जगह जब आप 2T करेंगे तो फिर 2^4 का फैक्टर आएगा. तो एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन विल बिकम डबल, मीन्स इट विल बी इक्वल टू 16 times. ए गैस इज फॉर्म्ड ऑफ मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल पजेसिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, देन द वैल्यू ऑफ सीपी बाई सीवी. सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं गामा, वेयर गामा इज कॉल्ड एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, मतलब सीपी अपॉन सीवी का रेशियो गामा है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस, दिस इज इक्वल टू एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ. और नीट एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. तो गामा का डिपेंडेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे फॉर्मूला बेस्ड है, एफ प्लस 2 अपॉन एफ. और इसको अगर आप देखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एफ, यानी कि अपना ऑप्शन होगा सेकंड. थोड़ा सा अगर आप इसको समझना चाहिए कि भाई ये कैसे आ रहा है, सीपी बाई सीपी अपॉन सीवी का रेशियो गामा एफ प्लस 2 अपॉन एफ किस प्रकार से आ रहा है, तो इसमें दो चीजें हैं. पहले तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लिखिए. तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जब आप थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लिखेंगे, थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है इफ डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाई गैस, देन ए पार्ट ऑफ इट इज यूज इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड द रिमेनिंग पार्ट इन डूइंग वर्क. आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाई द गैस तो हो जाएगा 0. सो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, और वर्क हो गया है 0. एंड डेल्टा क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसको अपन लिख सकते हैं एन इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू. अब हमें यह पता होना चाहिए कि गैस की इंटरनल एनर्जी यू ये टी टेम्परेचर पे होती है एफ बाई 2 एनआरटी. तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा एफ बाई 2 एनआर डेल्टा टी, एफ बाई 2 एनआर डेल्टा टी. एन डेल्टा टी कैंसिल आउट कर दीजिए, एन और डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आपके पास सीवी की वैल्यू आ जाएगी, सीवी की वैल्यू आ जाएगी एफ बाई 2 आर. तो सीवी इज इक्वल टू एफ बाई 2 आर. फिर सीपी कैसे निकाले, तो सीपी निकालने के लिए मेयर्स रिलेशन यूज कर लीजिए, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर. तो सीपी की वैल्यू आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में कैलकुलेट कर ली है, तो सीवी की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में आई है एफ बाई 2 आर. तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी सीवी एफ बाई 2 आर प्लस आर, मींस एफ प्लस 2 अपॉन 2 इंटू आर. सो यू हैव सीवी इज इक्वल टू एफ बाई 2 आर, सीपी इज इक्वल टू एफ प्लस 2 अपॉन 2 आर. रेशियो ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा गामा सीपी बाई सीवी इज एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और नीट एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट सवाल देखते हैं, छठवां है. कार्नोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन. तो जो 600 केल्विन टेम्परेचर है ये तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स हो गया, कितना दिया हुआ है 600 केल्विन. और टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन. एज ए वर्क आउटपुट ऑफ 800 जूल पर साइकिल, सवाल पूछा जा रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल.
देखिए हीट इंजन के बारे में थोड़ा सा समझिए, हीट इंजन करता क्या है। हीट इंजन का डायग्राम हम लोग इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में बनाते हैं कि गैस हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करती है। सपोज गैस हीट एब्जॉर्ब करती है Q1, इसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करती है और गैस एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजरती है और रिमेनिंग पार्ट हीट का लो टेम्परेचर पे सिंक पे रिजेक्ट कर देती है और सिंक का टेम्परेचर होता है T2। तो जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की वो होती है कि उसने एब्जॉर्ब हीट का कितना फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट किया। सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन दिस इज इक्वल टू W by Q1। और अगर कार्नोट साइकिल है तो फिर उस केस में हम जानते हैं कि कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T1। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल वेयर T2 एंड T1 आर टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स इन केल्विन। T2 और T1 टेम्परेचर सिंक और सोर्स के केल्विन में। तो एफिशिएंसी जब हम हीट इंजन की निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - T2 मतलब 300 और T1 मतलब 600 गिवन है क्वेश्चन में। तो कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी हमारे पास यहां से आ जाएगी 1 - 1/2 यानी कि 1/2 और एफिशिएंसी की वैल्यू यहां पे 1/2 आ गई है अपने पास। तो इस वैल्यू को अपन यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफिशिएंसी इज 1/2 और आपसे वो बता रहे हैं कि वर्क आउटपुट पर साइकिल इज 800 जूल। 800 जूल इज द वर्क आउटपुट पर साइकिल डिवाइडेड बाई Q1 यानी कि हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। तो यहां से हमारे पास हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स आ जाएगा Q1 की वैल्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू 600 जूल। दिस विल बी इक्वल टू 1600 जूल। 800 × 2 = 1600। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन ऑफ टाइम पीरियड टी एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाई। एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है x = a sin ओमेगा t प्लस π/6। ठीक है, सवाल क्या कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि आफ्टर द इलेप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो पहले तो अपने को सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी का पता होता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है और कितने के बराबर होती है, ए ओमेगा के बराबर, वी मैक्स। तो अपन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। तो एक्स को जब आप एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, तो dx/dt जब हम करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू dx/dt विल गिव यू वेलोसिटी एंड दिस विल बी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/6 डिफरेंशिएट करने पे। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया और हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/6। तो आपसे पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे अपने को उस टाइम इंस्टेंट की वो वैल्यू निकालनी है जहां पे ये वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है ए ओमेगा बाई टू। तो यू विल सी ए ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास कॉस ओमेगा टी प्लस π/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो अंदर जो ओमेगा टी प्लस π/6 है एंगल, उस एंगल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी प्लस फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस π/6 इज हाफ। तो ओमेगा टी प्लस π/6 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री मीन्स π/3। तो ओमेगा टी की वैल्यू यू विल हैव π/3 - π/6 इज π/6 और ओमेगा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2π/T कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड इनटू टी इज इक्वल टू π/6 और यहां से टाइम इंस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगा T/12। सो आफ्टर T/12 टाइम जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाएगी। सो दिस वॉज योर 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस अंडरगोइंग सुपरपोजिशन आर रिस्पेक्टिवली। तो दो पार्टिकल्स है जो कि सेम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं
और पहले की इक्वेशन है 4 साइन ओमेगा टी और दूसरे की इक्वेशन है 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम अलोंग एक्स एक्सिस, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहला पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं A1 और उसका एम्पलीट्यूड अगर आप देखेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 4। दूसरा पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी वजह से जो उसके उसका एम्पलीट्यूड कितना है 3 और दोनों में जो फेज डिफरेंस है तो ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है सो फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो रिजल्टेंट मोशन होगा तो रिजल्टेंट मोशन का जो एम्पलीट्यूड होगा तो रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos डेल्टा ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडरगोइंग सुपरपोजिशन आर रिस्पेक्टिवली ए वन इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3 cos पाई बाई टू। cos पाई बाई टू इज 0 तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 5। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 9th, ए बर्ड फ्लाइज विद ए स्पीड u ओवर ए ट्रेन विच मूव्स विद स्पीड v। समझिए देखिए इसमें एक तो दे रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड की वेलोसिटी दे रहा है u और फिर ट्रेन की वेलोसिटी दे रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन की वेलोसिटी बता रहा है कि v है। द एवरेज स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन ट्रेवलिंग टू एंड फ्रो अलोंग द ट्रेन एंड टू एंड। देखिए पहली बात ये समझिए कि बर्ड की जो वेलोसिटी दी हुई है ये दी हुई है u, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ट्रेन की वेलोसिटी दी हुई है v, ये भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। आप डायग्राम बनाने के लिए फ्री है तो डायग्राम अगर ग्राउंड के फ्रेम से आप बनाएंगे तो ग्राउंड के फ्रेम से तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि मैं मान लेता हूं कि ट्रेन है सपोज पी क्यू और ट्रेन ट्रेवल कर रही है ईस्ट में और ट्रेन ट्रेवल कर रही है ईस्ट में और ट्रेन की वेलोसिटी दी हुई है यू। अब इसमें बर्ड क्या करती है कि बर्ड पहले एक एंड से दूसरे एंड यानी कि पहले तो ट्रेन के डायरेक्शन में जाती है पी से क्यू और फिर वापस आती है तो अपने को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कि बर्ड पी से क्यू जाए और फिर क्यू से पी वापस आए। तो ट्रेन की लेंथ मान लीजिए कि एल है सपोज, ट्रेन की लेंथ अपन कितनी मान लेते हैं, ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं कि एल है। अब बर्ड की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इट इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू। तो ट्रेन की वेलोसिटी, सॉरी यहां पे जो मैंने यू लिखा हुआ है उसको ट्रेन की वेलोसिटी कर लीजिए, इसको वी कर दीजिए, ट्रेन की वेलोसिटी इज वी, बर्ड की वेलोसिटी यू है। इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राउंड के फ्रेम से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ट्रेन के फ्रेम से। कहां से करेंगे, ट्रेन के फ्रेम से। तो जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन के अंदर है, इसके लिए तो अब ट्रेन नहीं चल रही। तो बर्ड जब पी से क्यू जाएगी यानी कि ट्रेन के मोशन में, तो ट्रेन के डायरेक्शन में जाएगी जब बर्ड तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हो जाएगी यू माइनस वी, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी, वी विल फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अपन रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और हमें यह पता है कि अगर डायरेक्शन सेम है देन द रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफरेंस ऑफ स्पीड और अगर बर्ड और ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी सम ऑफ स्पीड। तो एक बार तो बर्ड जब ट्रेन के डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी होगी यू माइनस वी। तो एल डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना समय लगेगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो पी से क्यू तक जाने में जो बर्ड को टाइम लगेगा, टाइम पी से क्यू, दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर किया एल,
डिवाइडेड बाई बल्ट की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में, इट विल बी इक्वल टू यू माइनस वी। फिर बल्ट पी से क्यू जाती है, क्यू से पी वापस आएगी, तो जब बल्ट क्यू से पी वापस आएगी तो ट्रेन तो जा रही होगी ईस्ट में और बल्ट जा रही है वेस्ट में, तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी सम ऑफ स्पीड। तो जाते समय ट्रेन के डायरेक्शन में जाते समय बल्ट की रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बल्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इट इज यू माइनस बी। लेकिन ट्रेन जब बल्ट वापस आएगी तो उस केस में जो बल्ट की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू यू प्लस वी। क्यू से पी वापस आना है तो क्यू से पी वापस आने में समय कितना लगेगा, तो डिस्टेंस तो चला उतना ही एल, लेकिन वापस आते समय जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज यू प्लस वी। तो अपने को एवरेज निकालना है, तो अब आप एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला बताइए कि एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बल्ट ने कितना चला, एल पी से क्यू और क्यू से पी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2L डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी कि टाइम पी से क्यू का प्लस टाइम क्यू से पी का, दिस विल बी इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय पी से क्यू का जो टाइम है वो है एल अपॉन यू माइनस वी प्लस Q से P का जो टाइम होगा वो होगा L अपॉन U प्लस V। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय U, फोर्थ ऑप्शन है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व नहीं किया गया है, क्वेश्चन को मैंने ट्रेन के फ्रेम से सॉल्व किया है। तो जो ट्रेन के फ्रेम में ऑब्जर्वर है उसके लिए पहली बात तो ट्रेन नहीं चल रही है, क्योंकि ऑब्जर्वर जिस लोकेशन पर होता है वो जगह उस ऑब्जर्वर के लिए नहीं चलती है, तो ट्रेन इस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे है। और अब ये ऑब्जर्वर बल्ट को देख रहा है, तो बल्ट अगर ट्रेन की डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी, बल्ट की रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में हो जाएगी यू माइनस वी। तो टाइम कितना लगेगा, पी से क्यू का डिस्टेंस है एल, एल अपॉन यू माइनस वी। फिर बल्ट वापस आएगी ट्रेन के डायरेक्शन के विपरीत चलेगी, उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी सम ऑफ स्पीड्स। तो क्यू से पी डिस्टेंस जो बल्ट ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस है एल और स्पीड उस समय है यू प्लस वी। किसके लिए, ट्रेन की बल्ट की स्पीड वापस आते समय यू प्लस वी किसके लिए, जो ऑब्जर्वर ट्रेन में उसके लिए। तो टाइम लगेगा एल अपॉन यू प्लस वी, और एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस जो बल्ट ने चला फॉर दिस ऑब्जर्वर, एल जाना और एल आना, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2L डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम पी से क्यू और क्यू से पी, दोनों अलग अलग टाइम आ रहे हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन बल्ट ट्रेन के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया गया है। अगला है कॉइन सिक्का इज रिलीज इनसाइड ए लिफ्ट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ लिफ्ट। एक लिफ्ट बना लीजिए, ये लिफ्ट है, बता रहे हैं लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सिक्का यहां से रिलीज होता है, इस जगह से रिलीज होता है। तो सिक्का जब लिफ्ट के फ्लोर से टकराएगा तो सिक्के का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिया हुआ है सिक्का लिफ्ट के फ्लोर से 2 मीटर ऊपर है तो सिक्के का डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर h, इसको मैं h मान लेता हूं। तो अपने को बताना है कि कितना टाइम लगेगा। देखिए आप इस सवाल को सिंपल जैसे ग्राउंड पे करते हो वैसे कर लो, आप किसी बॉडी को h हाइट से रिलीज कर दो और वो जमीन पे सपोज t टाइम के बाद टकराती है, तो अपने पास इक्वेशन क्या आती है, s is ut plus half at square लगाएंगे। तो जब अगर ग्राउंड के केस में आप कर रहे हो तो h is equal to half gt square। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हम फिजिक्स की इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं वो यूज करने जा रहे हैं h is equal to half gt square। नॉर्मली इसको हम लोग ग्राउंड के फ्रेम में करते हैं कि भाई एक सर्टेन हाइट है, वहां से कोई बॉडी को रिलीज कर दिया, वो t टाइम में ग्राउंड को जाके हिट करती है, तो क्या रिलेशन होगा एच ओ टी का, तो एच इज हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन अब इस इक्वेशन को हम लोग लिफ्ट के फ्रेम में यूज करेंगे, तो यहां पे एच जो है वो सिक्के का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अब सिक्के का डिस्प्लेसमेंट ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, सिक्के का डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है। तो सिक्के का डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2 मीटर इज इक्वल टू हाफ। अब अपने को यह पता होना चाहिए कि ये जो जी लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 10 मीटर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम यहां काम कर रहे हैं लिफ्ट में, और हमें यह पता है कि जब हम लिफ्ट में काम करते हैं तो फिर जी की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, जी की जगह हम लोग यूज करते हैं जी इफेक्टिव।
जी इफेक्टिव का मतलब हो गया कि अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है तो जी इफेक्टिव की जगह आ जाएगा जी माइनस ए, और अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है तो जी की जगह आ जाता है जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। तो अपने पास आ जाएगा टू इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू जी इज टेन, ए दिया हुआ है लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में नाइन है, इंटू टी स्क्वायर। और अपन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास टी की वैल्यू आ जाएगी टू सेकेंड्स। देखिए समझिए, इक्वेशन फिजिक्स की यूज की गई है एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और लिफ्ट के फ्रेम में जाके इस इक्वेशन को यूज किया गया है। यहां पे एच कॉइन का डिस्प्लेसमेंट है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। देखिए ओबियस सी बात है बहुत, कि सपोज लिफ्ट अगर ये रहा लिफ्ट का फ्लोर और सिक्का मैंने यहां से रिलीज किया है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही सिक्के का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिक्के का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिफ्ट भी नीचे जा रही है, तो 2 मीटर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो सिक्के और लिफ्ट के फ्लोर के बीच में दिया हुआ है, 2 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट वो दे रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को लिफ्ट के फ्रेम से किया गया। अगर ग्राउंड के फ्रेम में, अगर आपसे पूछे कि ग्राउंड के फ्रेम में कॉइन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फिर हुआ तो यह है कि ग्राउंड के फ्रेम में सिक्के का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2 मीटर से ज्यादा होगा। क्यों? 2 मीटर तो ऐसे ही चलेगा और लिफ्ट का फ्लोर भी नीचे चला गया है, तो जब तक कॉइन लिफ्ट के फ्लोर को हिट करेगा तो वो 2 मीटर से ज्यादा ट्रेवल कर चुका होगा, क्योंकि लिफ्ट का फ्लोर भी नीचे जाएगा। फिलहाल इस इक्वेशन को हम लोगों ने जो सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है लिफ्ट के फ्रेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेवेंथ, ए बॉडी ऑफ मास 6 kg। एक तो पहले बता रहे हैं कि बॉडी है, कितना मास है 6 kg मास है, और पोजीशन बताई जा रही है। पोजीशन कितनी दी जा रही है, टी क्यूब माइनस 75t, टी क्यूब माइनस 75t, एक्स इज डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देख के मुझे यह समझ में आ रहा है कि अगर टाइम बदलेगा तो एक्स बदल रहा है, x मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन है, x का बदलना मतलब x का चेंज होना मतलब वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx by dt, दिस विल गिव यू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 3t² माइनस 75, वेलोसिटी आ गई। तो अपने पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 3t² माइनस 75। अब वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को थोड़ा एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, और टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन, पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। और एक्सेलरेशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डीटी विल बी ए, दिस विल बी इक्वल टू 6t, 75 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो अपने पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है, एक्सेलरेशन ये भी टाइम डिपेंडेंट आ रही है, मतलब एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है। आगे सवाल पढ़ते हैं, द फोर्स ऑन द बॉडी। देखिए सेकेंड लॉ है न्यूटन का, कि अगर बॉडी एक्सेलरेटेड है तो डेफिनेटली उस पर नेट फोर्स लग रहा होगा, एंड नेट फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो बॉडी पे जो फोर्स होगा, हाउ मच इज द मास ऑफ बॉडी गिवन इन द क्वेश्चन, 6, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 60। So F is equal to 36 into T. Time dependent force है, टाइम के साथ चेंज होगा। फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है कि T is equal to 4 सेकेंड पे कितना फोर्स लगेगा, तो T की जगह 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अपने पास फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 36 into 4 यानी कि 144 न्यूटन। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑक्सिलेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। मैकेनिकल एनर्जी दी हुई है 36 जूल्स, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहली बात तो देखिए इसमें ये समझिए, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात कर रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कितनी होगी। एक तो बात ये है कि दो चीजों का सम कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी,
और बात कर रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो जब भी आप दो नंबर जोड़ते हो, सपोज एक्स और वाई, और एक्स और वाई का सम कांस्टेंट हो, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब दूसरे की वैल्यू मिनिमम हो। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। सो के मैक्स प्लस यू मिनिमम दिस इज इक्वल टू 36। अब अपना काम यह हो गया कि अपन ये फाइंड कर ले कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां है, वो एक्सप्रेशन से चेक कर सकते हैं आप। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप देखोगे तो यू इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो ये 20 वाला कंपोनेंट, ये 20 वाला तो फिक्स्ड है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दूसरा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट वेरिएबल कंपोनेंट है, मतलब ये एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच? 20 प्लस समथिंग एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी भाई? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अगर मैं आपसे ये पूछूं? तो 20 का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो वेरिएबल वाला कंपोनेंट है उसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो इस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जीरो। तब जब x की वैल्यू कितनी हो? जब x की वैल्यू 2 हो। तो एट x इज इक्वल टू 2, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्टी जीरो हो जाए। तो मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की होगी जीरो। क्योंकि मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की जीरो जब एक्स की वैल्यू 2 हो। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की अपने को पता चल गई, तो अपने पास आ गया के मैक्स प्लस यू मिनिमम। यू मिनिमम कितना है? 20 इज इक्वल टू 36, और यहां से के मैक्स फाइंड कर सकते हैं। तो के मैक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 16 जून। सीओएमई पे बेस्ड क्वेश्चन है, पार्टिकल पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व कर सकते हैं? जब पार्टिकल पे सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स लगे, एक केस जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में अगली चीज क्या आगे आ जाती है कि दो चीजों का सम कांस्टेंट हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब एक कम हो रही होगी तो दूसरी बढ़ रही होगी। अब एक की वैल्यू मैक्सिमम पूछ रहा है, तो वो कब होगी? जब दूसरे की वैल्यू मिनिमम हो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। हाँ भाई, समझ आ गया सभी को? अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए कार इज ट्रेवलिंग विद 20 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर। ठीक है, एक गोल चक्कर टाइप का हॉरिजॉन्टल सर्किल इमेजिन करना, उसमें कार चल रही है, हॉरिजॉन्टल सर्किल इमेजिन करना। तो एक सर्किल बना लीजिए सबसे पहले, तो मान लीजिए इसमें कार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, और कितनी स्पीड से चल रही है वो बता रहा है कि स्पीड कितनी है कार की, वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट में मैंने कार को ड्रॉ कर दिया, बता रहे हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ठीक है, आगे बात बोल रहा है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड, मतलब कार गोल चक्कर पे चल रही है और स्पीड भी बढ़ रही है, दोनों चीजें हो रहे हैं। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कार की स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली फिर कार पे एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स, उसकी वजह से कार का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो कि स्पीड को इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड जो दिया हुआ है, ये एक्चुअली इसने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है। स्पीड तब इंक्रीज होगी जब कार की वेलोसिटी के पैरेलल फोर्स लग रहा होगा, और वेलोसिटी के पैरेलल फोर्स मतलब वो टेंजेंशियल फोर्स है, और वो टेंजेंशियल फोर्स वो स्पीड को बढ़ा रहा होगा, उसके कारण जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और इसकी वैल्यू दे रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर मैं दूसरे डायग्राम में यहां पर दिखाऊं आपको, तो वेलोसिटी अभी नॉर्थ में थी ऊपर की तरफ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वेलोसिटी के पैरेलल होगा 80, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों है? इसलिए है क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है जो कि स्पीड बढ़ा रहा है। अब दूसरी बात है, क्योंकि कार सर्किल पे है, अब कार सर्किल पे है तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है उसका, क्योंकि ट्रैक ही उसका ऐसा है, और डायरेक्शन में चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? जो जब भी पार्टिकल सर्किल में होता है और उस पर सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, वो करता क्या है? वो स्पीड नहीं चेंज करता, वो डायरेक्शन चेंज करता है, उसके कारण जो एक्सेलरेशन है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाउ मच? वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन?
वी स्क्वायर बाई आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास होगा 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, रेडियस दे रहे हैं 100, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4। समझिए, देखिए अगर कोई कार सर्किल पे है और उसकी स्पीड में कोई भी चेंज ना हो, तो भी सर्किल पे है इसलिए उसकी डायरेक्शन, हर इंस्टेंट कार का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड इन दिस क्वेश्चन बिकॉज स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग, तो द स्पीड का जो चेंज होता है वो होता है उस फोर्स की वजह से जो कि वेलोसिटी के पैरेलल लगता है। अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर स्पीड घट रही होती तो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होता। तो एसी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, एसी की वैल्यू अपने पास आ गई 4। एसी और एटी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, टोटल एक्सेलरेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो इन दोनों का वेक्टर सम, दिस विल बी टोटल एक्सेलरेशन। ये जो मैंने लिखा है ए टोटल, टोटल एक्सेलरेशन दो वेक्टर है, 83 एसी सेंटर की तरफ 4, इन दोनों को सम करोगे तो इनका सम आ जाएगा 5, तो टोटल एक्सेलरेशन विल बी 5। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। अगला सवाल देखते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल हूज मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, लैम्डा दिया है, कितना दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर बाई एल, ये दिया हुआ है और सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। देखिए यूनिफॉर्म रॉड होती तो सेंटर ऑफ मास तो बीच में होता है, लेकिन यहां पर एक्सप्रेशन देख के मुझे समझ में आ रहा है कि एक्सप्रेशन देख के मुझे यह समझ में आ रहा है, मान लीजिए ये रॉड बना लीजिए पहले आप, रॉड का एक एंड हो गया एक्स इज इक्वल टू जीरो और रॉड का दूसरा एंड हो गया एक्स इज इक्वल टू एल, और मुझे लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ देख के समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि एक्स के बढ़ने से लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म रॉड के केस में हमें पता है सेंटर ऑफ मास एक्जैक्टली मिड पॉइंट पे आता है एल बाई टू पे, इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए करेंगे ये कि हम एक एलिमेंट लेते हैं, कहां पे एलिमेंट लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स दूरी पे एक एलिमेंट ले लीजिए, कितनी लेंथ का एलिमेंट लेना है डीएक्स लेंथ का, और मान लीजिए इस एलिमेंट का मास एम है, डीएम है, तो स्मॉल एलिमेंट का मास डीएम विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएक्स, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मास का जब होता है उस केस में सेंटर ऑफ मास निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास उस केस में सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। एक्स क्या है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है जहां पे आपने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, तो हमने जो स्मॉल एलिमेंट डीएम कंसिडर किया है ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे किया है, एक्स दूरी पे, ठीक है, सो एक्स इज द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। और सिमिलरली वाई सी एम और जेड सी एम लिख सकते हैं आप, वाई सी एम हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, जेड सी एम हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, लेकिन यहां वाई और जेड की जरूरत नहीं है क्योंकि रॉड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वाई सी एम जेड सी एम वैसे ही जीरो आने वाला है तो वो मैंने यहां लिखा नहीं है, और डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएक्स, तो एक्स सी एम फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दिस विल बी इक्वल टू एक्स इंटू डीएम की जगह सब्सटीट्यूट कीजिए लैम्डा डीएक्स, डीएम की जगह यहां अपने को सब्सटीट्यूट करना है डीएम की जगह सब्सटीट्यूट करना है लैम्डा डीएक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा डीएक्स, और पूरी रॉड कवर करनी है, तो रॉड जब आप कवर करेंगे तो एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, एक्स जीरो से लेके एल तक, तो आपकी जो इंटीग्रेशन की एक्स की लिमिट्स जो होंगी वो होंगी जीरो से एल, ऊपर भी और नीचे भी, ये काम आपको करना है। तो आगे इसमें अगर अपन बढ़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से एल एक्स, लैम्डा की जगह जो दिया है वो सब्सटीट्यूट करें, लैम्डा की जगह दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन जीरो से एल, लैम्डा की जगह लिखिए के एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व आपको करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही आपको चेक करवा देता हूं। देखिए x और x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब, और x क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x टू द पावर 4 बाई 4, और लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा यहां पे, लिमिट पुट करने पे ये आएगा l टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। नीचे आपका k बाई l तो वैसे ही कैंसिल होना है, नीचे आपका x स्क्वायर है, x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x क्यूब बाई 3, तो वो 3 ऊपर पहुंच जाएगा ये, और यहां बचेगा x क्यूब, लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे तो l क्यूब, फाइनली सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 बाई 4 एल। समझिए ये मैंने ओरली बोल दिया आपसे इंटीग्रेट करके, लेकिन
आपसे अगर ये सवाल गलत हुआ है तो इंटीग्रेशन जरूर परफॉर्म करें पूरा, तभी परफेक्शन आएगा, नहीं तो परफेक्शन आएगा नहीं, तो ध्यान रखें उस चीज को। क्वेश्चन नंबर, एंगुलर स्पीड ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी की पहले तो एंगुलर स्पीड कितना इंक्रीज की, ओमेगा वन इज इक्वल टू फोर ओमेगा से ओमेगा टू इज इक्वल टू फाइव ओमेगा। पूछ रहे हैं कि परसेंटेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, तो अपने को पहले रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखनी आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। उसी तरह जैसे पंखा अगर रोटेट कर रहा है या दरवाजा घूम रहा है तो उस केस में रोटेटिंग रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड 4 ओमेगा से 5 ओमेगा हो जाए तो इनिशियल है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर, यानी कि हाफ आई ओमेगा वन की जगह आप लिखेंगे 4 ओमेगा का होल स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 दिस विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर। भाई एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज होगा नहीं, सेम पंखा है, कोई भी रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं, तो ये जाएगा हाफ आई ओमेगा टू, ओमेगा टू इज हाउ मच, फाइव ओमेगा का होल स्क्वायर। और आपसे पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज कितना है, सिंपल नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के वन है हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के टू है हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर। ओमेगा वन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो फोर ओमेगा, ओमेगा टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो फाइव ओमेगा, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। यानी आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है के टू माइनस के वन बाई के वन इंटू हंड्रेड, सिंपल सी बात ये कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा के टू अपॉन के वन माइनस वन इंटू सौ। अब के टू अपॉन के वन की वैल्यू क्या होगी वो आप खुद देख सकते हैं, के टू की वैल्यू कितनी है, के टू की वैल्यू है हाफ आई फाइव ओमेगा का स्क्वायर। और के वन की वैल्यू कितनी है, केवन की वैल्यू है हाफ आई फोर ओमेगा का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो के टू अपॉन केवन कितना आ जाएगा, पांच का स्क्वायर अपॉन चार का स्क्वायर, यानी पच्चीस अपॉन सोलह। तो ये आ जाएगा पच्चीस अपॉन सोलह माइनस एट इंटू सौ। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा नाइन हंड्रेड बाई पच्चीस माइनस सोलह नौ हो गया इंटू सौ, नौ सौ, नौ सौ बटे सोलह, 900 बटे 16 कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 56 एग्जैक्टली, तो 56.25% आएगा अगर आप पूरा उसको कैलकुलेट करेंगे तो। फिलहाल 56% विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 1 केजी। ठीक है, एक पहले एक्स एक्सिस बनाओ आप, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, इस जगह का नाम दे दो ए, एक्स इज इक्वल टू टू, इस जगह का नाम दे दो बी, एक्स इज इक्वल टू थ्री, इस जगह का नाम दे दो सी है, थ्री नहीं फोर दे रहा है, अगली जगह दे रहा है एक्स इज इक्वल टू एट, इस जगह का नाम दे दो डी। यहां पे सब जगह एक केजी के पार्टिकल रखे हुए हैं, यहां पे एवरीवेयर, यहां भी एक केजी का पार्टिकल है, बी पे भी एक केजी का पार्टिकल है, सी पे भी एक केजी का पार्टिकल है, सब जगह एक केजी का, डी पे भी एक केजी का पार्टिकल है, ये दिया हुआ है। पहला पार्टिकल एक केजी का एक्स बराबर वन पे, दूसरा एक्स बराबर दो पे, तीसरा एक्स बराबर चार पे, चौथा एक्स बराबर आठ पे, एंड सो ऑन। समझ गया मैं, ट्रेंड देख के समझ गया हूं, एक्स बराबर एक, एक्स बराबर दो, एक्स बराबर चार, एक्स बराबर आठ, अगला क्या होगा एक्स बराबर सोलह, बत्तीस, चौसठ, सिक्सटी फोर, इस तरह से आगे बढ़ेगा। पूछ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओरिजिन पे क्या होगा, ओरिजिन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पहली बात तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपको यहां पे एक बात तो यह समझ में आनी चाहिए कि एम मास से आर दूरी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट मास है एम, इससे आर दूरी पे कोई पॉइंट है, इससे आर दूरी पे मान लो पॉइंट है पी, तो आर दूरी पे पॉइंट पी है तो एम मास की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है माइनस जी एम बाई आर। तो किसी पॉइंट मास की वजह से आर दूरी पे पोटेंशियल लिखना आना चाहिए अपने को, समझ में आई बात, पॉइंट मास से आर दूरी पे पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। तो पोटेंशियल पूछा जा रहा है ओ पे,
पोटेंशियल एट ओ, तो पोटेंशियल जो ओ पे होगा वो होगा जो ए पे मास रखा हुआ है उसकी वजह से, तो पोटेंशियल एट ओ विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू मास एट ए प्लस, अब ओरिजिन पे जो पोटेंशियल होगा जो बी पे मास रखा हुआ है वो दो मीटर की दूरी पे, उसकी वजह से भी जो पोटेंशियल है वो भी ऐड करो, पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस सी पे जो मास है उसकी वजह से जो ओरिजिन पे पोटेंशियल आएगा वो भी लिखना पड़ेगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डी मास एट डी। तो ओरिजिन पे जो पोटेंशियल होगा वो सभी के कारण होगा और आपको ऐड भी करना है, तो ओरिजिन पे जो पोटेंशियल होगा तो पहले आप निकालिए कि ए की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो फॉर्मूला माइनस जी एम बाई आर लगाइए, तो पोटेंशियल एट ओ विल बी इक्वल टू माइनस जी मास है वन के जी और ए और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है एक मीटर, ठीक है आगे बढ़ो, प्लस बी पे जो मास है उसकी वजह से ओरिजिन पे कितना पोटेंशियल होगा, फॉर्मूला लगेगा माइनस जी एम बाई आर, जी एम बाई आर, तो बी की दूरी ओरिजिन से कितनी है दी गई है दो, प्लस सी पे जो मास है उसकी वजह से ओरिजिन पे कितना पोटेंशियल होगा, फॉर्मूला यूज हो रहा है माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर, अब सी की दूरी ओरिजिन से कितनी है चार, और इसी तरह ऐड करते जाइए। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो अपने पास आने वाला है v पोटेंशियल एट ओ, दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी बाई टू माइनस जी बाई फोर, अब माइनस जी ले लेना कॉमन, और इसी तरीके से अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, तो माइनस जी कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा वन प्लस हाफ प्लस वन बाई फोर, वो पहला सवाल था आपका, उसकी वैल्यू आ रही थी टू, तो आंसर हो जाएगा माइनस टू जी। 36, when a large bubble rises from bottom of lake to the surface, it radius double, उसका radius double हो जाता है, if atmospheric pressure is equal to that of water column of height h, atmospheric pressure, ये थोड़ी खास बात है यहां पे, अगली लाइन में कह रहा है कि atmospheric pressure कितने के बराबर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर बराबर है कि एच हाइट के वाटर कॉलम की वजह से। नॉर्मली एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हम याद रखते हैं वो मरकरी कॉलम के हाइट के टर्म्स में याद रखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, लेकिन यहां चेंज कर रहा है, वो बोल रहा है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ वॉटर कॉलम ऑफ हाइट एच, मतलब एच हाइट का वॉटर कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले पी एटीएम को सेटल कर दो, तो PATM कितना हो जाएगा, हमें पता है कि अगर लिक्विड कॉलम की हाइट h है उसकी वजह से प्रेशर रो जी एच होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू रो वाटर इनटू जी इनटू h, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उनका सवाल क्या है, सवाल है कि एक झील है और यहां बॉटम मान लो ये एक बुलबुला बॉटम से तल से सतह तक आता है और तल से सतह तक, सतह को मान लीजिए बी, यानी जो पानी का बुलबुला है वो ए से बी तक आया और ए से बी तक आने में उसका रेडियस डबल हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लेक की डेप्थ कितनी है, मान लीजिए लेक की डेप्थ है एच डैश, कितनी मानी एच डैश, एक पहली इक्वेशन अपने पास आ चुकी है, पहली इक्वेशन मैंने जो फाइंड की है वो दूसरी लाइन से की है, उसमें उसने बताया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर कॉलम ऑफ हाइट एच, तो मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन यहां से फॉर्म कर दी थी। अब यहां समझना ये है कि पानी का बुलबुला जब ऊपर आएगा तो बता रहे कि रेडियस डबल हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन है हाइड्रोस्टैटिक्स प्लस थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ज्ञान होना चाहिए। अब बबल के अंदर जो एयर है इसको आप मान लेना ये आइडियल गैस है, और ये भी दिया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब बबल ऊपर राइज करता है, और जब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो उस केस में हम लोग बॉयल्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो अपन बॉयल्स लॉ यहां पे यूज करेंगे कि प्रेशर एट ए इनटू वॉल्यूम एट ए, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इंटू वॉल्यूम एट बी। ए पे प्रेशर कितना होगा, अब ए पे यहां पर इस जगह आपको प्रेशर लिखना पड़ेगा, यानी कि एच डैश हाइट नीचे,
पानी की सतह से एच डैश हाइट नीचे प्रेशर कितना होगा, तो पीए की वैल्यू हो जाएगी पी एटीएम प्लस रो जी एच डैश. व्हाट इज एच डैश? एच डैश इज द डेप्थ ऑफ लीक इनटू रेडियस. मान लीजिए ए पे आर है तो वॉल्यूम कितना लिखोगे आप? 4/3 πr³. फिर तल यानी कि बॉटम से ऊपर राइज करता है, सतह तक पहुंचता है, और जब ये सतह तक पहुंचता है तो इसका रेडियस डबल हो गया, और सतह पे प्रेशर क्या होगा, सरफेस पे प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक. तो पीबी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? पी एटीएम इंटू वॉल्यूम कितना सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पे? 4/3 π² ये दो इक्वेशन आपकी बनेंगी. इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको झील की गहराई मिल जाएगी एच डैश बराबर 7h. झील की गहराई हमारे पास आ जाएगी. थर्ड ऑप्शन सही है. दो इक्वेशन बन रही हैं. क्वेश्चन नंबर 37. 1 mole ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस गामा दिया हुआ है, 5/3 गामा 1 मोनोएटॉमिक. पहली गैस को मोनोएटॉमिक गैस को गैस 1 मान लेता हूं, और गामा की वैल्यू यहां से गामा इसलिए दे रहा है कि आप जिससे सो दैट यू कैन फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. वैसे सभी को पता भी होता है 5/3 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस है. एफ की वैल्यू 3 आने वाली है इसमें. लेकिन अगर आप फॉर्मूला भी लगा दो तो यहां से अपने पास गामा दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास गैस की हो गई 3. और कितना मोल है? N1 बराबर 1 mole. ठीक है भाई. दूसरी गैस क्या बता रहा है? डायटोमिक गैस है गामा 2 7/5. यहां से अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लेंगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस की आ जाएगी 5. और मोल्स कितना है? मोल भी दिया है डायटोमिक गैस का. दूसरी गैस है इसका मोल दिया हुआ है 1. सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि गामा मिक्सचर. क्वेश्चन में सवाल पूछा जा रहा है गामा मिक्सचर. देखिए ये क्वेश्चन भी नीट एग्जाम में बहुत पॉपुलर है. एक मोनोएटॉमिक गैस एक डायटोमिक गैस मिक्स कर देगा, उसमें एफ मिक्सचर यानी इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ सकता है, क्योंकि हमें पता है मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, डायटोमिक की होती है 5, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक की होती है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम. लेकिन अगर मिक्स कर दें 2 mole मोनोएटॉमिक 5 mole डायटोमिक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? एफ मिक्सचर क्या होगा? फिर सीपी मिक्सचर क्या होगा? सीवी मिक्सचर क्या होगा? गामा मिक्सचर क्या होगा? तो गैसेस के मिक्सचर का जब भी सवाल हो उसमें वो पूछे कुछ भी, चाहे सीपी मिक्सचर पूछे या सीवी मिक्सचर पूछे या गामा कुछ भी पूछे, आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि सबसे पहले ये आपको आंसर करना है. इस केस में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एफ मिक्सचर का फॉर्मूला लिखूंगा कि इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर की क्या होती है. इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर की होती है N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. ये फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि अगर प्योर गैस होती है मोनोएटॉमिक गैस तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डायटोमिक है तो 5 है, लेकिन मिक्सचर गैसियस मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला है. पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए. तो अपने पास यहां से एफ मिक्सचर आ जाएगा. एफ मिक्सचर की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी? पहली गैस मोनोएटॉमिक नंबर मोल्स कितना दिया हुआ है? 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3. दूसरी गैस डायटोमिक मोल दे रहा है 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 1 प्लस 1. तो अपने पास यहां से एफ मिक्सचर की वैल्यू आ गई. एफ मिक्सचर तो एफ मिक्सचर कितना आ गया आपने? 3 और 5 3 5 8 8/2 4. तो एफ मिक्सचर की वैल्यू, एफ मिक्सचर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई यहां पे? एफ मिक्सचर इज इक्वल टू 3 + 5 8/2 4. गामा मिक्सचर पूछ रहे तो अब आप गामा का फॉर्मूला याद कर लो. गामा का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था? गामा का फॉर्मूला होता है एफ प्लस 2/f. और गामा मिक्सचर अगर लिखना है कोई दिक्कत नहीं है. गामा मिक्सचर कितना हो जाएगा? एफ मिक्सचर प्लस 2/ एफ मिक्सचर. ये हो जाएगा एफ मिक्सचर प्लस 2/ एफ मिक्सचर. एफ मिक्सचर आपने कितना कैलकुलेट किया? 4. तो 4 + 2/4 6/4 यानी कि 3/2. पहला ऑप्शन हो जाएगा. देखिए गैसियस मिक्सचर का क्वेश्चन हो कुछ भी पूछा जाए आप सबसे पहले एफ मिक्सचर निकाल के रखना, फॉर्मूला लगाना है N1F1 + N2F2 / N1 + N2. उसके बाद गामा मिक्सचर पूछे तो गामा मिक्सचर उत्तर दो. अगर मैं सीपी मिक्सचर पूछता तो फिर सीपी का फॉर्मूला लिख लेते F + 2/2 × R और F की जगह एफ मिक्सचर. अगर मैं सीवी मिक्सचर पूछ लेता तो सीवी मिक्सचर क्या होता है? F / 2 R.
एफ बाई टू आर मतलब एफ की जगह एफ मिक्सर कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहला स्टेप यही है कि आप एफ मिक्सर कैलकुलेट करें। अगली चीज देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 38 है, मास एम इज अटैच्ड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स एसएचएम, समझो। देखिए सवाल ये, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, उस समय यहां पे आप एक मास रख देते हो एम, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है यहां पे, यहां तक जाता होगा, ये वाली जो पोजीशन में ड्रॉ कर रहा हूं ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है एनएल। इस समय कितना फोर्स, जब ये मास नेचुरल लेंथ पे होगा कैपिटल एम मास, इस समय इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी मान लीजिए इसकी है इस समय दी हुई है कि वेलोसिटी है वी। इमीडिएटली यहां पे जब ये एक्स इज इक्वल टू जीरो से गुजरता है आपने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया स्मॉल एम मास का, स्मॉल एम मास का। देखिए यहां पे सिस्टम है कैपिटल एम प्लस ऊपर से जो आप ब्लॉक प्लेस कर रहे हो ये सिस्टम है, जैसे ही आप ब्लॉक प्लेस करोगे इन दोनों में, दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपस में इंटरनल फोर्सेज होंगे फ्रिक्शन के, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग रिलैक्स्ड है उस समय नेचुरल लेंथ में है उसमें कुछ एक्सटेंशन नहीं है, तो नेट फोर्स कैपिटल एम एंड स्मॉल एम इस सिस्टम पे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मास प्लेस करेंगे फिर एज ए कंबाइंड सिस्टम मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अभी कैपिटल एम की वेलोसिटी कितना दे रहा है वी, तो पहला प्रिंसिपल जो यहां फिजिक्स का यूज होगा, तो पहला प्रिंसिपल यूज होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM। तो मोमेंटम लिखिए इसका, मोमेंटम अपने पास हो जाएगा एम इंटू वी प्लस ऊपर वाला ब्लॉक अभी आपने प्लेस नहीं किया है तो उसका मोमेंटम जीरो है, इज इक्वल टू जैसे ही आप प्लेस कर देंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और लेट अस से नाउ द न्यू वेलोसिटी इज वी डैश। इक्वेशन नंबर वन, पहली इक्वेशन तो ये कि जब कैपिटल एम मास मीन पोजिशन क्रॉस कर रहा है उसी समय आप एक स्मॉल एम मास उसके ऊपर रख देते हो, तो मैंने रखने से जस्ट पहले मोमेंटम लिखा और रखने के जस्ट बाद मोमेंटम लिखा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अपने ने लगाया, अपने पास इक्वेशन आ गई कैपिटल एम इंटू वी इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी डैश। अब वो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड का क्या होगा, अपने को पता है कि मीन पोजिशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और मीन पोजिशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कितने के बराबर होती है, ए ओमेगा के बराबर। तो अगली इक्वेशन जो मैं यूज करने जा रहा हूं वो यूज करने जा रहा हूं वी मीन इज इक्वल टू ए ओमेगा, अगली इक्वेशन ये यूज करने जा रहा हूं वी मीन इज इक्वल टू ए ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अपने को पता है कि ओमेगा इज हाउ मच, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम, वेयर के इज फोर्स कॉन्स्टेंट, एम इज मास ऑफ द ऑक्सीलेटिंग बॉडी। ये तीन इक्वेशंस इसको सॉल्व करेंगी, इस क्वेश्चन को, तीन इक्वेशंस। अब अपने को करना क्या है, पहला तो अपने रिलेशन फाइंड कर ही लिया, उसके बाद जब स्पीड वी है उस समय एम्पलीट्यूड ए वन है, और सपोज एंगुलर वेलोसिटी उस समय ओमेगा वन है एंगुलर स्पीड, तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी वी इज इक्वल टू ए वन इंटू ओमेगा वन। इस ओमेगा वन को कितना लिखोगे, अंडर रूट के अपॉन कैपिटल एम, और फिर जो नई वेलोसिटी आई न्यू वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन, न्यू वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन इज हाउ मच वी डैश, न्यू वेलोसिटी एट मीन पोजीशन मीन जब आपने स्मॉल एम मास रख दिया उस समय वेलोसिटी आ रही है वी डैश इज इक्वल टू, अब एम्पलीट्यूड मान लीजिए कि अब चेंज हो गया होगा, अब एम्पलीट्यूड हो गया ए टू और एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा टू, और ओमेगा वन की वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ के बाई कैपिटल एम, और ओमेगा टू की वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देना वी अपॉन वी डैश फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर देना, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। 38 अगला सवाल, ए बोट मूव्स इन स्टिल वॉटर विद ए स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दिया हुआ है डायग्राम में ही क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इट इज गिवन एज 2.5, नॉर्थ को लिख लो जे कैप, रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ईस्ट में, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी हो गई, रिवर की वेलोसिटी दी हो गई है 1.5 इंटू आई कैप। ओके आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटेड टू ऑब्जर्वर ऑन द शोर, मतलब
बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है। देखिए एक बात समझिए, अगर बोट का इंजन शट ऑफ कर दो, चलाओ मत बोट को, इंजन शट ऑफ कर दो, तो भी बोट की वेलोसिटी कम से कम रिवर की वेलोसिटी के बराबर तो होगी। अगर नदी में ले जाके बोट का इंजन बंद कर दो आप, तो बोट की वेलोसिटी मैं पूछूं बाहर खड़े होके, तट पे खड़े होके, किनारे पे, घाट पे खड़े होके पूछूं, किनारा मतलब घाट समझ लीजिए, तो बोट की वेलोसिटी कितनी बताओगे आप? जितनी नदी की वेलोसिटी है, तो बोट की वेलोसिटी शोर के रिस्पेक्ट में कितनी कितनी होगी? इज इक्वल टू वी आर बाई वर्च्यू ऑफ बींग इन द रिवर प्लस। अब क्या है कि आप बोट चला भी रहे हो इंजन ऑन करके, बोट का इंजन ऑन करके, और बोट का इंजन ऑन करके जो वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। भाई स्थिर रुके हुए पानी में भी बोट की जो वेलोसिटी है, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितनी दी हुई है? 2.5 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू घाट और विद रिस्पेक्ट टू शोर और विद रिस्पेक्ट टू बीच, कुछ भी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। तो VB will be equal to VR, VR है 1.5 I cap plus VBR है 2.5 J cap, 2.5 J cap। अब इसको स्क्वायर और ऐड कर लेना तो मॉड VB आ जाएगा, मॉड VB कितना आएगा? अंडर रूट 1.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25 और 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, 6 और 2 6, 6 और 2 हो गया 8, अंडर रूट 8.5 हो जाएगा ये, 8.5, 8.5 का मतलब हो गया 3 से कम मतलब 2.9 वाला आंसर है। अब उत्तर भी देना है, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लगाओ, tan alpha इज इक्वल टू vy अपॉन vx, vy कितना है? 2.5 और vx कितना है? 1.5, तो tan alpha की वैल्यू ये आ रही है 5/3 ये आ रही है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, tan alpha है 5/3 मतलब 45 डिग्री से ज्यादा और नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री से ज्यादा और नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 59 डिग्री, क्योंकि अब आप सोचो 5/3 का मतलब होता है 1.66, तो 45 से तो ज्यादा है और 1060 की वैल्यू होती है √3 1.7, यानी 60 से थोड़ा सा कम एंगल आएगा, तो 59 सही है और इट इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 59 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 2.9 मीटर पर सेकेंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री, मूविंग अप, एक इंक्लाइन प्लेन बनाओ, इंक्लाइन प्लेन ठीक है, 60 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, थीटा, इंक्लाइन का थीटा 60 डिग्री है, 20 मीटर पर सेकेंड में बताता है कि 2 सेकेंड के बाद रुक जाता है, भैया क्यों रुक जाएगा? जा तो ऊपर रहा है, रुक क्यों गया? रुक इसलिए गया क्योंकि इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा होगा क्योंकि ब्लॉक ऊपर अप द इंक्लाइन मूव कर रहा है, एक तो एमजी का कंपोनेंट लग रहा है, एमजी साइन थीटा, और रफ इंक्लाइन प्लेन है तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? म्यू एन मतलब म्यू एमजी कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो भी इंक्लाइन पे, अगर ब्लॉक इंक्लाइन पे ऊपर चल रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? डाउन द इंक्लाइन, तो ब्लॉक जा तो इंक्लाइन पे ऊपर की तरफ रहा है लेकिन एमजी साइन थीटा नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, म्यू एमजी कॉस थीटा, 2 फोर्सेस ये नीचे लग रहे हैं, अभी इसको रिटार्ड कर रहे हैं, तो कितनी देर में रुक गया? इनिशियल वेलोसिटी वो दे रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी है 20, 2 सेकंड के बाद रुक गया इंक्लाइन पे चलते हुए, ऊपर चलते हुए। तो पहली बात तो इक्वेशन आप यूज करो, वी इज इक्वल टू यू माइनस एटी, रिटार्डेशन है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन चलो यही रहने दो और टाइम दे रहा है 2 सेकंड। इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 10। अब ए ये क्या है? ए रिटार्डेशन है, कैसे निकालोगे? डाउन द इंक्लाइन नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो ये जो ए की वैल्यू होगी ये होगी एमजी साइन थीटा प्लस, रिटार्डेशन इज बिकॉज ऑफ एमजी का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन,
प्लस फ्रिक्शन म्यू एन जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम, ये ए है, ये आ गया आपका 10, ये आपका 10 आ गया। तो यानी आपके पास आ गया जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, एम कैंसिल आउट कर देना, इसकी वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास 10 के बराबर। जी की वैल्यू होती है 10, एंगल इंक्लाइन का दिया है 60, साइन 60, साइन 60 मतलब रूट 3, रूट 3 बाई 2, म्यू आपको निकालना है, जी हो गया 10, कॉस थीटा 60 इज इक्वल टू 10। तो अपने पास ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 म्यू इज इक्वल टू 10। और यहां से जब अपन म्यू कैलकुलेट करेंगे तो म्यू की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.27। यही काम करना था, देखिए इंक्लाइन पे ऊपर चलता हुआ, ऊपर चल के ब्लॉक रुका है 2 सेकंड में, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 10, ए इज इक्वल टू 10। और दिस इज रिटार्डेशन, एंड रिटार्डेशन इज बिकॉज ऑफ एक तो ग्रेविटी का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन प्लस फ्रिक्शन का फोर्स डाउन द इंक्लाइन। तो वो कैलकुलेट करोगे तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा, उसको 10 रख के म्यू की वैल्यू अपने को यहां पे कैलकुलेट करनी है। अगला सवाल 41, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg एंड 1 kg, ठीक है m1 मास है 2 kg, दूसरा m2 मास है 1 kg, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, मतलब आपको x1 y1 की वैल्यू दे रहा है, x1 y1 की वैल्यू कितनी दी है 1 और -2, दूसरे पार्टिकल के भी कोऑर्डिनेट्स दे रहा है x2 y2, कितना दे रहा है -4, 3, पूछ रहा है कि तीसरा कहां रखे और तीसरा है कितने का, तीसरा है 5 kg का, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x3 y3, पूछ रहा है कहां रखे, मतलब x3 y3 की वैल्यू क्या हो कि तीनों का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाए, तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां जाना चाहिए ओरिजिन पे। तो 2 तो उसने बता दिए और तीसरे 5 kg पूछ रहा है कि उसको कहां रखें कि सबका ओरिजिन पे आ जाए। तो पहले तो आप फॉर्मूला लिखो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा तीनों का, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको कितना चाहते हो आप ओरिजिन पे चाहते हो, यानी कि 0, इसकी वैल्यू क्या जाते हो 0, नीचे m1 m2 m3 जोड़ना, m1 m2 m3 कितना हो जाएगा 2 1 5, उधर मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो क्या बनेगा 0, यानी आपकी इक्वेशन क्या बनी m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बराबर 0। बस हो गया सवाल, m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2, x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1, m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1, x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो -4, m3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 5 इंटू x3 बराबर 0। यहां से x3 की वैल्यू आ जाएगी, तो x3 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी 2/5। यही काम YCM के लिए करो, x3 की वैल्यू अभी आई है 2/5, तो x कोऑर्डिनेट 2/5 वाला उत्तर सही है, ठीक है सेकंड ऑप्शन हो गया। यही काम लेकिन Y3 के लिए, Y के लिए भी करो, तो YCM आप लिखोगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन टोटल मास बराबर 0। तो इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो अगली इक्वेशन क्या सॉल्व करोगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बराबर 0, वहां से y3 निकाल लेना, निकालोगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है रिंग है, अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, अब रिंग की एक्सिस क्या होती है, रिंग की एक्सिस वो होती है जो उसके सेंटर से गुजरती है, जो उसके सेंटर से गुजरती है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इस एक्सिस के अबाउट, रिंग की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है mr2। फिर बता रहे वायर की लेंथ, जो रिंग बनाई गई है वो तार से बनाई गई है, उसकी लंबाई एल है, तो इस तार की लंबाई एल है, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
एल इज इक्वल टू टू पाई आर, पहली इक्वेशन। दूसरी, रिंग के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एम आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। ऊपर से आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो लाके, एम आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, एल बाई टू पाई का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच, अगले टेस्ट में फिर मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग फॉर्म फ्रॉम एयर इनटू अ डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एज शोन इन फिगर, द लाइट रे सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द एडजेसेंट सरफेस एज शोन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा शुड बी इक्वल टू। जैसे कि रे डायग्राम में दिया हुआ है, ये रे इधर से आ रही है, फिर रिफ्रैक्ट होकर ये सरफेस पे आ रही है, और फिर इससे रिफ्रैक्ट टोटल रिफ्लेक्ट होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर नहीं जा रही। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो रे दूसरे मीडियम में नहीं जाती और टोटल रिफ्लेक्ट होती है। तो टी आई आर की कंडीशन क्या होती है, टी आई आर की कंडीशन ये होती है, जो इंसिडेंट एंगल होता है वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। तो यहाँ इंसिडेंट एंगल कितना है, थीटा डबल डैश, तो जो थीटा डबल डैश है शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, किससे ग्रेटर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। दोनों तरफ साइन लेंगे तो जाएगा साइन थीटा डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी। अब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या होती थी हमारे केस में, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होती थी साइन थीटा इज इक्वल टू होता था एन आर अपॉन एन डी, एन आर का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम और अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। तो साइन थीटा डैश किससे ग्रेटर हो जाएगा, एन आर अपॉन एन डी। यहां पर रेरर मीडियम कौन सा है, रेरर मीडियम एयर है, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम की कितनी है, 4/3। तो इसी को आगे लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा डैश, इसी को आगे लिख देते हैं, साइन थीटा डैश थीटा डबल डैश किससे ग्रेटर हो जाएगा, एन आर हो गया 1 और ये हो जाएगा 4/3, यानी ये 3/4 हो गया। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट आ गई, साइन थीटा डबल डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, ये आ गया। अब हम इधर आते हैं, रे यहां से यहां जा रहे थे, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ जब हम लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, 1 into साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू, म्यू कितना है 4/3 इंटू साइन थीटा डैश। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा की। अब देखो यहाँ साइन थीटा डबल डैश है किसके इक्वल आ रहा है, 3/4, और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, 4/sin थीटा डैश। साइन थीटा और साइन थीटा डबल डैश में क्या रिलेशन होगा, ये एंगल कितना है 90, तो साइन थीटा डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 - थीटा डबल डैश। तो ये जो वैल्यू होगी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 साइन 90 - थीटा डैश लिखेंगे तो वो कॉस थीटा डैश हो जाएगा कॉस थीटा डबल डैश। अब यहां से वैल्यू कॉस थीटा डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 साइन थीटा, कितनी आ जाएगी 3/4 साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पर साइन थीटा डबल डैश है, साइन थीटा डबल डैश किसके इक्वल है, 3/4, ये इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो ये जो वैल्यू है यहाँ साइन थीटा डबल डैश की वैल्यू, ये कॉस थीटा डबल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4 साइन थीटा। अब हम वैल्यू यहां पर दिया, इसको साइन थीटा डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा डबल डैश, ठीक है, ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, 3/4 से। बहुत साइड स्क्वायर कर देंगे और वैल्यू पुट कर दो, यहाँ वैल्यू पुट करोगे कॉस थीटा डबल डैश की वो कितनी आएगी, 3/4 साइन थीटा, हो जाएगा स्क्वायर कर रहे हैं 1 - इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 साइन थीटा का, तो 9/16 साइन स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9/16 हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर ले जाओ, 1 - 9/16 करेंगे तो 7/16 आएगा, इधर लेके आएंगे 16 7 बाय, इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉस थीटा डे की वैल्यू है। आगे जो सॉल्व करेंगे
तो जो वैल्यू आएगी 9/16, इधर आएगा 7/16, इसको इधर लिख दो बोले, इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, तो 1-9/16 यानी 7/16, 7/16 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9/16 साइन स्क्वायर थीटा, 16 से 16 कैंसिल, तो 7/9 आएगा, तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/√7/3, 9 घंटा रूट। तो ऑप्शन देख लीजिए, थीटा जाएगा साइन इनवर्स रूट 7/3, यानी आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आप ये चीज आगे देखना चाहो, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक का ठीक है, म्यू मिनिमम का फॉर्मूला आपको याद हो, यदि कोई रे मीडियम से पास नहीं होती तो म्यू मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1+sin² α, अल्फा या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, इस फॉर्मूले अल्फा की वैल्यू थीटा रख देंगे तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये म्यू मिनिमम आपको दे रखा है कितना है 4/3, यहाँ रख देना है, इसका स्क्वायर कर देना तो 16/9 आएगा, 1+sin² α होगा, इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आएगा, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू 2 μF, C2 इज इक्वल टू 6 μF, C3 इज इक्वल टू 12 μF। देखो, कनेक्टेड है शॉन फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। आप देखो इधर ध्यान से देखो, यहां से जो चार्ज जाएगा, क्यों गया चार्ज, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यहां जाएगा चार्ज Q1 और यहां आएगा चार्ज Q2। आपको पता ही है सीरीज में चार्ज सेम रहता है, यानी C2 और C3 पर तो चार्ज क्या आएगा सेम, और C1 और इस ब्रांच में दोनों में डिवाइड होगा, तो चार्ज जो डिवाइड होता है Q इज इक्वल टू C भी होता है ना, तो पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है सेम, तो Q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के। अब यहां पर देखो, इन दोनों का एक कैपेसिटर बनाना हो C2 और C3 का, इन दोनों का एक कैपेसिटर बनाएंगे, मान लो C- बोल दिया उसको, तो इन दोनों का एक कैपेसिटर, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होगा C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, तो इन दोनों का एक कैपेसिटर बनाओगे, C2 की वैल्यू कितनी है 6 और इसकी कितनी है 12, तो 6 × 12 अपॉन 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, ये हो गया 4, तो इन दोनों का जो कैपेसिटेंस आएगा वो आ जाएगा 4 μF। और अपना सिंपल सा फिगर ही हो गया, C2 और C3 में तो चार्ज सेम आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, Q1 और Q2 की बात करेंगे तो ये कैपेसिटर ये हो गया जिसका कैपेसिटेंस कितना हो गया 4 μF, और एक कैपेसिटर ये हो गया C1 जिसका कैपेसिटेंस कितना है 2 μF। पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है किसके रेशियो में डिवाइड होता है, तो यदि मैं इसमें Q1 और Q2 का रेशियो देखूं तो Q1 × Q2 = C1/C2, तो ये 4 है और ये 2 है, तो इन दोनों में जो डिवाइड होगा वो कितना आएगा 2:1, तो यहां चार्ज इन दोनों में जो डिवाइड हो रहा है वो किसमें जाएगा 2:1, तो इन दोनों में तो चार्ज की बात की जाए C1 और C2 की, Q1 और Q2 की, ये 4 है और ये 2 है, तो यहां पर जो भी चार्ज आएगा इन दोनों में तो चार्ज सेम रहेगा, तो जब रेशो देखा जाएगा तो यदि C1 C2 C3, इसमें रेशो आएगा 1, मान लो इसमें चार्ज क्यू गया, इसमें 2Q जाएगा, इसमें भी 2Q जाएगा, इसमें 2Q है, इसमें 2Q है, इसमें कितना गया Q, तो जो रेशो लिखाया जाएगा C1 × C2 × C3, C1 में कितना गया Q, तो अपन 1 ले लेते हैं, इसको Q लिख दो, C2 और C3 में क्या जाएगा सेम जाएगा, कितना जा रहा है 2Q × 2Q, रेशो कितना जाएगा 1:2:2, सिंपल सा चार्ज के व्यास करते हैं Q1 Q2 एंड Q3, समझ आ गए? आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का एक बना लो, इन दोनों का एक बनाया कितना है 4, तो ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 2, इन दोनों में डिवाइड होगा Q1 और Q2, तो किस रेशियो में डिवाइड होगा 2:1, तो मान लो इसमें चार्ज क्यों गया तो 2:1 के लिए, तो इसमें कितना जाएगा 2Q, तो C2 में चार्ज कितना आया 2Q, C3 में कितना आया 2Q और C1 में कितना आया Q, तो C1 में कितना है Q, C2 में कितना है 2Q और C3 में कितना है 2Q, रेशो लेंगे तो 1:2:2, क्लियर? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखो, मैच द कॉलम टू कॉलम कैपेसिटेंस, धारिता कैपेसिटेंस का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन फाइंड करनी है, तो अपन जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपन को C की निकालने, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाय V,
और v होता है w बाय q, तो ये q स्क्वायर अपॉन w हो जाएगा। q की डायमेंशन क्या होती है, at, तो हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर। और w की डायमेंशन सब जानते हैं कितनी होती है, m1 l2 t माइनस 2। तो जो c की डायमेंशन है वो कितनी आ जाएगी, देखो m माइनस 1 l माइनस 2, t की पावर कितना आ जाएगा 4 और a 2। m माइनस 1 l माइनस 2 t की पावर 4 a 2। तो अभी ऑप्शन देखो, m1 l माइनस 2, m माइनस 1 l माइनस 2 t की पावर 4। तो यानी a का जो ऑप्शन है कैपेसिटेंस का वो क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। ए थर्ड किस किस में, फर्स्ट में और सेकंड में, यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो गायब कर दो, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बने। उसके बाद आप देखो परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है, आप एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लाओ इसको, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। बाकी तो कॉन्स्टेंट है, क्यू की डायमेंशन ए इंटू टी इंटू टू ए टू टी टू, एफ की डायमेंशन जानती है एम वन एल वन टी माइनस टू, और डिस्टेंस की हो जाएगी एल टू। तो क्या डायमेंशन आ रही है, इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम माइनस वन एम माइनस वन एल माइनस थ्री t की पावर 4 और a की पावर 2। देखो ऑप्शन m माइनस 1 l माइनस 3 t की पावर 4, यानी सेकंड ऑप्शन, मतलब b का आएगा सेकंड, तो b का सेकंड फर्स्ट में, सेकंड में है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर, दुनिया लो, बाकी चाहें तो आगे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वरना दो से ही आ गया आंसर। q इज इक्वल टू c भी था, c इज इक्वल टू q बाय v हुआ, v को आप जानते ही हो, w बाय q ले सकते हो, q स्क्वायर अपॉन 2। तो c की डायमेंशन निकालो, c की डायमेंशन जो मैच खा रही है वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन से खा रही है। फिर उसके बाद सेकंड पर आप परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट की निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट की जो मैच खा रही है वो थर्ड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन फर्स्ट में ही है। नेक्स्ट, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, एट व्हाट पोजीशन अ थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ना करे, आप एक को 20 माइक्रोकूलम है और एक -5 माइक्रोकूलम है, तो आपको पता होगा दो लाइक चार्जेस होते हैं, तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो सकता है, और यदि अनलाइक चार्ज होते हैं तो आइदर दिस साइड और दिस साइड, किसी एक साइड आता है और किस साइड आता है, जिधर मैग्नीट्यूड कम होता है। तो यहां 20 माइक्रोकूलम है और यहां पर 5 है, तो किस साइड आएगा, राइट हैंड साइड इधर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस अपन एक्स ले लेते हैं, ये डिस्टेंस 5 है, तो इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 प्लस एक्स, और इससे कितनी हो जाएगी एक्स। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाना चाहिए इस पॉइंट पे, या फोर्स क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो इसके कारण फोर्स लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, के इंटू 20, दोनों माइक्रोकूलम में लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी हो गई 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए जो लिखेंगे कितना हो जाएगा, के इंटू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लो, के से के कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो तो जाएगा 2 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, तो आ जाएगा 2 एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। इधर आया तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5, जो भी डिस्टेंस है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम गलत हो गया, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम माइनस 5 क्रॉम ऑन द राइट साइड, ये राइट साइड ही है तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 5 मिलीमीटर स्क्वायर विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 2 इनटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द वायर। अपन जानते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए बी डी। ठीक है, आप एन आप जानते हो, आई होता है करंट, ये क्या होता है नंबर ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज होता है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, और बीडी क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर, यानी आपको स्मॉल एन फाइंड करना है। तो स्मॉल एन किसके इक्वल हो जाएगा, आई
अपॉन ई ए बी डी, वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। आई की वैल्यू क्या है देखो बताओ, आई कितना है 10 एम्पियर, ई कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, क्रॉस सेक्शन एरिया देखो कितना है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। और बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो आप इसको सॉल्व करो, 1.6 को 5 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, या 5 को 2 से करो 10, 10 को 1.6 से करो तो 16, पावर पावर सॉल्व कर लो, माइनस 19 माइनस 6 कितना हुआ, माइनस का 25, माइनस का 25 और माइनस 3 माइनस का 28 ऊपर गया, तो 10 अपॉन 16 या 100 अपॉन 16 कर देते हैं, 100 अपॉन 16 एक पावर कम कर दो 6, 25, 28 में से एक कम किया तो 27 हो गया, 100 बाय 16 आएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 27, ऑप्शन देखो तो इसको चाहो तो ले सकते हो 625 इंटू 10 टू पावर 25। ठीक है 28। नेक्स्ट कंसीडर ए 72 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर एबीएस शोन इन द फिगर, द गैल्वेनोमीटर जो कि इज प्लेस एट पी ऑन ए बी एट ए डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम ए, द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कैसे बैलेंस दोगे, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या होना चाहिए सेम, इन दोनों का रेशो लोगे तो कितना आएगा 12/6, और यहाँ रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों लेंथ का लोगे तो कितना आ जाए x, वहां मीटर ब्रिज में 100 सेंटीमीटर लेंथ होती थी, यहां पर उसने 72 सेंटीमीटर दे रखी, तो x अपॉन 72 माइनस x, इसको कैंसिल कर दो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 माइनस 2x इज इक्वल टू x, क्लियर, तो माइनस 2x x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 144, x is equal to 144 by 3, 48 सेंटीमीटर आ जाए, क्लियर। नेक्स्ट है टू इक्वल कैपेसिटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टू इक्वल कैपेसिटेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द टू केसेस विल बी, पहले सीरीज में कनेक्ट किया है और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया है, सबको इतना तो पता ही है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट करते ही सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, सी डैश बोल देते हैं, तो वो सी वन सी टू दोनों इक्वल सेम ही है, तो जाएगा सी वन सी टू यानी सी स्क्वायर अपॉन टू सी, तो ये सी बाय टू आ जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सी डबल डैश तो सी प्लस सी कितना आ जाएगा टू सी, इनका रेशो निकालोगे तो वैसे दिख रहा है सी डैश अपॉन सी डबल डैश, रेशो निकालोगे तो 1:4 आ जाएगा, मैच द कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन ए प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट के अंदर आपको पता है करंट और ईएमएफ के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, प्योर इंडक्टर होता है तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, लेकिन उसके अंदर ईएमएफ किससे आगे होता है करंट से, ठीक है, और यदि प्योर कैपेसिटर होता है तो भी फेज डिफरेंस कितने का होता है पाई बाई टू का, लेकिन उसमें करंट आगे होती है ईएमएफ से या ईएमएफ लैग होता है इससे, तो आप यहां पर ऑप्शन देखते जाओ, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन प्योर एसी सर्किट तो जीरो आएगा, ए का तो ऑप्शन कितना आ गया सेकंड, तो पहले देखो ए का सेकंड किस किस में, थर्ड में ऑप्शन में ए का सेकंड आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है, फिर आगे चेक करते हैं बी ऑप्शन, देखो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट के अंदर कितना आता है फेज डिफरेंस पाई बाई टू आता है, लेकिन कौन आगे होता है करंट लीड करती है या प्योर इंडक्टिव में ईएमएफ लीड करता है यानी करंट लैग्स होती है, तो थर्ड ऑप्शन करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय टू, तो बी का थर्ड आना चाहिए, तो देखो सेकंड में बी का फोर्थ आ रहा है, सेकंड ऑप्शन तो गया, थर्ड ऑप्शन में देखो थर्ड ऑप्शन में बी का थर्ड आ रहा है यानी ये करेक्ट हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन में बी का थर्ड आ रहा है यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचे हैं, अब आप आगे आओ सी ऑप्शन पे, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन प्योर कैपेसिटी, प्योर कैपेसिटी होगा तो भी पाई बाय टू होगा, लेकिन अब
जो करंट लीड करेगी, करंट लीड वोल्टेज बाय पाई बाय टू, यानी फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। तो थर्ड का देखो, सी का फोर्थ दे रखा है इसमें, और फोर्थ वाले में सी का फर्स्ट दे रखा है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। आप देखो, अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंटर परपेंडिकुलरली इनटू मैग्नेटिक फील्ड, लेट आरडी एंड आरए बी द रेस्पेक्टिव रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आरडी का मतलब रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, और आई का मतलब रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। आरडी अपॉन आरए निकालने, अपन को फॉर्मूला ध्यान है, आर इज इक्वल टू रेडियस, यदि परपेंडिकुलर एंटर करता है, परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो चार्ज का पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, चार्ज का पास सर्कुलर होगा तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। ये तो मोमेंटम की टर्म में, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट टू एम ई अपॉन क्यू बी। अब यहां पर देखो R किस किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो वो सेम बोल रहा है, सेम काइनेटिक एनर्जी यानी ई तो सेम हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बी भी क्या हो गया सेम, तो बचा क्या एम और क्यू, तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अंडर रूट एम अपॉन क्यू। आर डी रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखेंगे तो कितना आएगा, रूट एम मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू, चार्ज में उल्टा हो जाएगा, क्यू ऑफ अल्फा अपॉन क्यू ऑफ न्यूट्रॉन। सॉल्व करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, रूट टू, मास ऑफ अल्फा कितना होगा, फोर, चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज और अल्फा कितना होगा टू, और ये कितना होगा टू, फोर से तो ये कैंसिल, फोर का अंडर रूट कितना होगा टू, तो टू से टू तो क्या आंसर हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, रूट टू इज टू वन। क्लियर हो गया, सिंपल सा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अंडर रूट एम बाय क्यू, एम दोनों का लिखो, रेशियो लिखो, आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन विद इट्स विंग स्प्रेड 10 meter is flying at a speed of 180 km per hour in a horizontal direction. The total intensity of earth field at that part is 2.5 newtons to power minus 4 Weber per meter square and the angle of dip is 60 degree. The EMF induced 10 meter EMF induced between the tips of the plane. EMF induced होता है जो aeroplane के अंदर, वो होता है E induced. होता है BV. BV का मतलब vertical component earth magnetic field into velocity into L. लेंथ ऑफ विंग्स, तो बीवी तो दे नहीं रखा इसने, टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो बीवी को बी साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो ई इंड्यूस्ड जो आएगा वो जाएगा बी साइन थीटा इंटू वी इंटू एल। अब तो आपको वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू जानते ही हो कितनी होती है, रूट 3 बाय 2 इंटू वी, वी कितना दे रखा है, वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आर, लेंथ जो दे रखी है आपको मीटर में दे रखी है, ठीक है, और वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आर में है, तो जो वेलोसिटी इसको चेंज कर लो 180, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बाय 18 करेंगे, 18 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स, तो 50 आ जाएगा ये, और लेंथ 10 है। अब तो आपको सॉल्व ही करना है, बस कर लो, अब तो कुछ नहीं है तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये 25, इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट चाहो तो पॉइंट हटा लो, पॉइंट से कैंसिल करोगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 625, और 625 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर लेना, और 10 टू पावर माइनस 4 तो मिली वोल्ट में आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज जीरो, है ना, जीरो कहां कहां हो सकती है, तो देखो यदि यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है, अपन नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड, इनसाइड फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, और के ई आउटसाइड जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कहां कहां जीरो हो सकता है, सेंटर की बात करें तो सेंटर के लिए आर जीरो हो जाएगा ना, एक तो सेंटर पे जीरो हो गया तो ई इनसाइड, ई सेंटर निकालेंगे तो ई कितना जाएगा जीरो, एक तो कहां पर हो सकता है सेंटर पे, अब आउटसाइड की बात करें तो ये आर इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट को किससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जीरो, तो आउटसाइड कहां पर जीरो होगा, ई आउटसाइड जीरो कहां पर होगा, आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो दो पॉइंट हो गए, एक तो सेंटर पर एक इनफाइनाइट, पहला ऑप्शन एट द सेंटर
ऑप्शन हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड एंड इनफिनिटी और थर्ड ऑप्शन देखो एट द सेंटर एंड इनफाइनाइट, तो यानी मोर करेक्ट आंसर क्या है, एट द सेंटर एंड एट इनफाइनाइट, दोनों जगह जीरो हो सकता है। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सेंट्रल पोटेंशियल u r u नॉट r 4 इफ बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन आर अप्लाइड, रेडियस ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स r एंड वेरी विद n की पावर 1 अपॉन अल्फा, वेयर अल्फा इज, अब देखो ध्यान से ये आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है, u r इज इक्वल टू u नॉट r की पावर 4। हम जानते हैं फोर्स में क्या रिलेशन था, f इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर, तो यहां फोर्स निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस पावर आगे आ जाएगी u नॉट 4 इंटू 4 और r की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब कोई भी ऑर्बिट में कोई भी सर्कुलर पाथ में कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो कोई ना कोई फोर्स उसको क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, तो ये किसके इक्वल कर देंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स के, तो ये कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, तो इधर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर की पावर 4, तो v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर, तो v किसके इक्वल हो गया आर स्क्वायर। अब हमें क्या बताना है कि बोर्स कंडीशन आर अप्लाइड, रेडियस पॉसिबल आर एन, यानी रेडियस की बात कर रहे हैं विद n की पावर, क्वांटम नंबर क्या, तो अपन जानते हैं बोहर के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर वो किसके इक्वल होता है एन एच अपॉन 2 पाई, तो यहां से हमें v को हटाना है तो v की वैल्यू लिख दो n अपॉन r, v की जगह आप क्या पुट कर देंगे n अपॉन r, यहां पुट कर दो तो n अपॉन r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा r स्क्वायर, तो n किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r की पावर 3, यानी r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया n की पावर 1/3। अब कंपेयर करो यहां पर r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n की पावर 1 अपॉन अल्फा और यहां r की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n की पावर 1/3, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू किसके निकल के किसके इक्वल आ जाएगी 3 के, क्लियर। नेक्स्ट, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड अदर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 आर स्टक टुगेदर एज शोन इन द फिगर, n1 एंड n2 डिपेंड ऑन लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू रिलेशन, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन दे रखा है, द वेवलेंथ फॉर विच रे इंसिडेंट एट एंगल ऑन द इंटरफेस बीसी पास थ्रू द विदाउट बेंडिंग एट दैट इंटरफेस विल बी, यानी रे विदाउट बेंडिंग इससे चली जाए इस वाली फेस से, यानी विदाउट बेंडिंग जा रही है इससे आप लॉजिक क्या लगा रहे हैं, विदाउट बेंडिंग का मतलब इन दोनों के बीच की इन दोनों इनमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन जब ही नहीं हो सकता जब ये मीडियम सेम हो, यदि मीडियम सेम होंगे तो इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी सेम, तो कॉन्सेप्ट यही है इसका कि ये दोनों प्रिज्म के जो इंटरफेस है ये इन दोनों की ये दोनों के मीडियम जो है वो सेम होने चाहिए, तभी जब सेम होंगे तभी इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, इट मीन्स एन वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एन टू, अब n1 is equal to n2 है तो इक्वल कर दो, ये दे रखा है 1.2 प्लस 10.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, क्वेश्चन देख के मत घबराओ, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या दे रखा है 1.45 प्लस 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, क्वेश्चन ना देखे क्वेश्चन देखे ना घबराएं, लेंथी क्वेश्चन लेकिन सिंपल है, लॉजिक ये लगाना है कि यदि बेंड नहीं हो रहे तो इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होनी चाहिए सेम, दोनों को इक्वल कर दो, तो देखो ये 1.2 है 1.45 इसको इधर लेके आओगे तो 1.45 में से 1.2 माइनस करोगे तो 0.25 बचेगा और इसको इधर ले जाओ 10.8 में ये सब तो कॉमन आ जाएगा 10.8 में से 1.8 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, तो बचेगा 9 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 14 और ये बचेगा 1.45 में से आप माइनस कर दोगे 1. तो आएगा 0.25, सॉल्व करना है अब तो लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 9 अपॉन 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, तो लैम्डा इज इक्वल टू बो साइड स्क्वायर रूट ले लो, 9 का अंडर रूट कितना आएगा 3.25 का कितना आया 0.5 और 10 टू पावर माइनस 4 का क्या आएगा 10 टू पावर माइनस 6, 0.5 का 30 अपॉन 5 6 इन 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 7 सॉरी 6 इन 10 टू पावर माइनस 7 यानी 600 नैनोमीटर आ जाएगा 600 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखो 46, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन इज इक्वल टू 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप, द रेशियो ऑफ फ्लक्स रिपोर्टेड फ्लक्स
थ्रू रेक्टेंगुलर सर्फेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन टू दैट ऑफ सर्फेस एरिया 0.3 पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन इज ए अपॉन बी. वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी विल बी, ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स में क्या रिलेशन होता है, फाइ इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, तो सबको ही पता है फाइ इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे रहे हैं, एरिया वेक्टर चाहिए हमें, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर. तो सबसे पहले मैं वाई जेड प्लेन की बात करूं तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, एक्स. एक्स के लिए क्या यूज करते हैं, आई कैप. तो फाइव वन जो बोलेंगे तो फाइव वन कितना आ जाएगा, ई वेक्टर दे रखा है आपको 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप डॉट एरिया वेक्टर. एरिया कितना दिया हुआ है आपको 0.2 और पैरेलल किसके है, वाई जेड, क्या नहीं 0.2 आई कैप आ जाएगा. तो डॉट प्रोडक्ट में आई आई से मल्टीप्लाई होगा, 3/4 को 0.2 से करेंगे तो 5/1 आ गया आपका 0.6 अपॉन 5 ई नॉट 5/1. ऐसे फाइव टू निकाल लो, फाइव टू निकालोगे तो किसके पैरेलल दे रखा है आपको 0.3 आ जाएगा एरिया वेक्टर. पैरेलल किसके है वो एक्स जेड, एक्स जेड के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, वाई. वाई के लिए क्या यूज करेंगे, जे कैप. डायरेक्टली कर दूं तो जे को जैसे करेंगे तो 4/5, 4/5 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 0.3 कितना है 1.2 अपॉन 5 ई नॉट. तो 5/1 अपॉन 5/2 करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो तो 5/1 अपॉन 5/2 करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, 0.6 अपॉन 1.2 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो गया. तो 1.2 अपॉन 0.6 करो, सॉरी 0.6 अपॉन 1.2 करोगे तो कितना आएगा 1:2. क्लियर, कुछ नहीं करना है, समझ आ गया, ये वैल्यू रखनी है और तो कुछ भी नहीं है. डॉट प्रोडक्ट करना है, बस इतना ध्यान रखना है एरिया वेक्टर वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर क्या होगा, एक्स. एक्स के लिए यूज करेंगे आई कैप, तो एरिया वेक्टर इस वाले केस में 0.2 आई कैप होगा तो आई को आई से करना है. सेकंड वाले केस में कौन सा प्लेन दे रखा है, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, वाई. वाई के लिए क्या यूज करेंगे, जे कैप. इसके लिए एरिया वेक्टर हो जाएगा 0.3 जे कैप, फिर जे को जे से करना. डॉट प्रोडक्ट तो आता ही, नेक्स्ट देख, ये दिया हुआ है आपको एक सर्किट, इसका सिंप्लीफाई सर्किट बनाओगे तो इसकी तो एक बैटरी बना लो. इसकी जब बैटरी बनाते हैं तो बैटरी का ईएमएफ कितना होता है, बीवीएल, और यदि इसका कोई रेजिस्टेंस दे रखा है तो वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा. तो स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1, इसका स्क्वायर लूप का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1 ओम. तो जो बैटरी बनेगी ये, इस बैटरी का ईएमएफ हो गया बीवीएल और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1. अब वे से कनेक्टेड है, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, 4 और 4 किस में है, सीरीज में, तो 8, ये फिर 8 और ये दोनों पैरेलल होंगे तो 8 और 8 पैरेलल होंगे तो 4, तो ये रेजिस्टेंस सिंपल सा आ जाएगा 4. ये इसका सिंपलीफाई सर्किट हो जाएगा. अब ये सिंपल सर्किट करंट का क्वेश्चन बन गया, करंट में आई निकालते हैं तो ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये करंट जो आएगी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईएमएफ कितना है बीवीएल और रेजिस्टेंस आर प्लस आर हो जाएगा बीवीएल अपॉन ये आर कितना है 4+1 यानी 5 आ गया. आपको फाइंड क्या करना है, करंट दे रखा है आपको, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वी नॉट, वी नॉट निकालना है तो वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × आई. आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 mA, तो 2 × 10⁻³ अपॉन बी इंटू एल. तो एल तो आपको दिया हुआ है, स्क्वायर लूप दिया हुआ है, इसकी साइड दे रखी है आपको कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.2. स्क्वायर की साइड मत ले लेना, केवल इस वायर की साइड लेनी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बैटरी, ये तो बाहर ही है, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसी का आएगा. तो एल 0.2 लेना है, तो 0.2 और लेंथ दे दिया आपको और B कितना दे रखा है 5, तो 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ये 10 हो गया, 10 × 10⁻³, तो 10⁻²⁺ मीटर पर सेकेंड.
उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 20 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेज इन फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बिहाइंड द सर्फेस। द इमेज इज रियल एंड इज डिस्टेंस। देखो इसमें डायग्राम बनाओ पहले। कॉन्वेक्स सर्फेस बोल रहा था, ये कॉन्वेक्स सर्फेस बना ली। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है मान लीजिए और इमेज यहां बन रही है। वो क्या कह रहे थे, इमेज इज रियल, इमेज रियल है तो उधर ही बननी है। एंड डिस्टेंस इज 2/3 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी तरह की है, 10 मीटर। तो ये हो गया 10 मीटर, सॉरी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेज इन एयर फॉर्म बाय कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इमेज की डिस्टेंस है 10 मीटर, इमेज की डिस्टेंस हो गई 10 मीटर। ऑब्जेक्ट की हमें निकालनी है, ऑब्जेक्ट की यदि हम निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए क्या रिलेशन दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए द इमेज इज रियल एंड इज डिस्टेंस इज 2/3 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की डिस्टेंस है वो 2/3 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसका उल्टा ऐसा बोला जाए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3/2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी मैं यू निकालू वो कितने टाइम्स आएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये कैंसिल हो गया यानी 15 मीटर आ गया। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो कितनी आ गई, 15 मीटर। इमेज की डिस्टेंस उसने दे रखी है 10 मीटर, तो ये आ गया 15 मीटर। अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस हम पढ़ते हैं, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस के अंदर फॉर्मूला क्या लगता है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। म्यू वन और म्यू टू क्या होते हैं, इंसिडेंट रे का जो मीडियम होता है जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है वो होता है म्यू वन यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन। तो यहां म्यू वन ये एयर है और दूसरी वो दे रखा उसने दूसरा आपको एक मीडियम ले लो म्यू जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप म्यू ले लो। अब म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताते हैं कि फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू टू अपॉन वी। वी अपन को पता है, यू अपन को पता है, म्यू वन एयर है इसका हो गया वन। अब आप इधर देखो तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन एयर फॉर्म बाय कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बिहाइंड द सर्फेस। द इमेज इज रियल एंड डिस्टेंस इज 2/3 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द सर्फेस इज 2/3 टाइम्स द वेवलेंथ इन एयर। तो वेवलेंथ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, तो लैम्डा एम वेवलेंथ इन मीडियम किसके इक्वल होता है, वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यहां से म्यू निकाले तो यहां से म्यू आ जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम। तो वो दे रखा है उस देखो तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द सरफेस, सरफेस की यानी लैम्डा एम 2/3 टाइम्स ऑफ कितना दे रखा है वेवलेंथ इन एयर, तो लैम्डा ए और ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए। लैम्डा ए से लैम्डा ए कैंसिल, तो ये कितना आ गया 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना आ गया 3/2। तो म्यू वन कितना लेना है 1, म्यू टू कितना लेना है 3/2। यू अपन को पता है, वी अपन को पता है, फॉर्मूले में रख दो वैल्यू निकाल लो। तो म्यू टू कितना है, म्यू टू आ रहा है आपका 3/2। वी कितना है 15। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो नेगेटिव। तो वी तो क्या रहेगा पॉजिटिव, यू हमेशा ही नेगेटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। म्यू वन कितना है 1 और ये कितना है 10 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। तो म्यू टू कितना था 3/2 माइनस 1 अपॉन आर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 1/10 प्लस 1/10 2/10 यानी 1/5। सॉल्व तो कर ही लोगे, इसको सॉल्व कर लेना 3/30 आ रहा है तो 1/10 हो गया, 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 1/2 आर। ठीक है आगे सॉल्व करके रिजल्ट निकाल लेना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय इजी वेक्टर इज इक्वल 200 cos 0.5 * 10 टू पावर 3 1.5 * 10 टू पावर 11 रेडियन पर सेकंड। इफ दिस वेव फॉल्स नॉर्मली परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैविंग एन एयर 100 सेंटीमीटर्स, इफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ईएम वेव ऑन द सरफेस ड्यूरिंग अ 10 मिनट एक्सपोजर इज x / 10 टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी कितनी होती है ईएम वेव की बात, तो हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर इंटू सी
और रेडिएटेड प्रेशर जो होता है, प्रेशर प्रेशर यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो होता है 2i/c, ये हो जाएगा 2/c, इंटेंसिटी कितनी है, हाफ एप्सिलॉन e0 स्क्वायर इनटू सी, 2 से 2 कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो जो रेडिएटेड प्रेशर आएगा वो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन e0 स्क्वायर, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻¹2 इनटू e0 स्क्वायर, देखो कितना दिया हुआ है, 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 10⁴ तो 8.85 × 4 को मल्टीप्लाई करोगे 32, 85 को करोगे तो 17 यानी 73.4 तो 354 × 10⁻¹ तो 8.45 × 20 = 32 = 34 = 35.4 35.4 × 10⁻¹⁸ चाहे तो इसको ले सकते हैं 354 × 10⁻¹⁹ जिसको आप चाहो तो ले सकते हो 354 / 10⁻¹⁹ कंपेयर कर लो इससे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10⁻¹⁹ है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 354। क्लियर, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन e0 स्क्वायर इनटू c है, c से c कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन, 50, अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज i, टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर सो प्लेस्ड इन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन इज i/2, P2 शुड बी रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन बिकम्स 3i/2, यानी दो पोलराइड्स ले रखे और फाइनल इंटेंसिटी जो दे रखी है वो 3i/8 ले रखी, यानी फर्स्ट वाला पोलराइड ऐसे, सेकंड इसको रोटेट कर दिया इसकी सरफेस को, तो यहां से जो लाइट आ रही है मान लो वो i0 आ रही है, ये अनपोलराइज लाइट है, जैसे ही फर्स्ट पोलेराइड से पास होगी उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी i0/2, और जैसे ही इस वाले से पास हो रही है मान लो इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, इससे पास हो रही है तो फाइनल इंटेंसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है 3i/8, ये 3i/2 है, ये हो जाएगी 3i/8। अब वैल्यू लगा दो, फॉर्मूला हम जानते हैं i = कितना होता है, i0 cos²θ, और ये जो i0 की वैल्यू है ये i/2 हो गई, यहां से जो इंटेंसिटी आई थी y जैसे इससे पास हुई वो कितनी हो गई i/2, और जैसे इससे पास होगी तो कितनी होगी फाइनल 3i/8, तो जो फाइनल इंटेंसिटी i' वो तो कितनी होगी 3i/8, और ये जो i0 था वो किसके इक्वल आ गया i/2 के, और ये हो गया cos²θ। ये तो समझ में आया ना, फर्स्ट पोलराइड से जैसे पास होगी उसकी इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट पोलराइज में कन्वर्ट होगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो यहां से जो पास हुई i/2 इसको रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद जो फाइनल इंटेंसिटी आ रही है वो 3i/8 है। अब इन दोनों में इसकी ट्रांसमिटेड एक्सिस और इसकी ट्रांसमिटेड एक्सिस में एंगल कितना है थीटा, तो फॉर्मूला अपन जानते हैं वैल्यूज फॉर्मूला जो होता है i′ = क्या होता है i0 cos²θ, i0 इनिशियल इंटेंसिटी होती है जो पोलराइड से पास होने से पहले होती है, तो पोलराइड से पास होने से पहले जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी i/2, तो i0 की वैल्यू क्या पुट कर दी i/2, ये cos²θ, ये 3i/8, i से i क्या हो गया कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो cos²θ जो आ रहा है वो कितना आ गया 3/4, तो cos θ = कितना आ जाएगा √3/2, तो थीटा कितना जाएगा, कॉस में √3/2 किसके लिए होती है 30 डिग्री, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं, 50, 49 हो गए, 48 हो गया, 47 हो गया, 46, 45, 44, 43, सॉरी 35 के बाद 44 हो गया, 35, 34 हो गया, 33 हो गया,
32 हो गया, 31 हो गया, 30 हो गया, 30 बाकी रह गया अपना 30, और तो एक क्वेश्चन रह गया 30, 31 हो गया, 30 एक क्वेश्चन रह गया। अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया 3 मीटर इज जॉइंट विद अ सिमिलर एल्युमिनियम रॉड एज शोन इन फिगर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन द एंड्स ए एंड बी। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.7 रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। रेजिस्टिविटी दे रखी है तो अपन जानते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ई। दो वायर है जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 25 में क्रॉस सेक्शन है 3 मीटर ज्वाइन विद सिमिलर, सिमिलर वायर है यानी लेंथ और एरिया सेम है, तो जब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो जो चीज कॉमन आएगी यहां आर वन को लिखेंगे रो एल अपॉन ए, यहां भी आएगा रो एल अपॉन ए, यहां आएगा एल अपॉन ए, तो यहां एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, मैं लिख देता हूं एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रो वन रो टू, यहां एल अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा रो वन प्लस रो टू, एल बाई ए से एल बाई ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एल बाई ए बचेगा, एल की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 इनटू 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन एरिया, एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 3 मिलीमीटर स्क्वायर है, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 रो वन रो टू, रो वन कितना दिया हुआ है 1.6, 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इंटू 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन में जाएगा 1.7 प्लस 2.6 कॉमन आ गया 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 8 से 10 टू पावर माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन है बाकी सॉल्व कर लेना आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन में गिवन है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट एक्स है, इसका हाफ लाइफ पीरियड सेम है मीन लाइफ ऑफ द अनदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट वाई। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं, एक एक्स है और एक वाई है। अच्छा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एल एन टू बाय डीके कॉन्स्टेंट लैम्डा। अब किसके हाफ लाइफ की बात कर रहा है, एक्स के, तो एक्स का हाफ लाइफ जो है वो वाई के मीन लाइफ, मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय लैम्डा ऑफ वाई के बराबर है। अब यहां से आप अगर देखें तो लैम्डा एक्स का जो वैल्यू आ गया वो ln2 टाइम्स y, ln2 कितना होता है 0.693 टाइम्स y, लैम्डा y के बराबर आ गया। तो यहां पर इस इंफॉर्मेशन को देख के आपको एक बात क्लियर दिख रही है कि जो लैम्डा x है वो 0.6 टाइम्स लैम्डा y के, यानी लैम्डा x छोटा है, लैम्डा x कम है, लैम्डा y ज्यादा है, y का डिके कांस्टेंट x के डिके कांस्टेंट से ज्यादा आ रहा है, y का डिके कांस्टेंट x के डिके कांस्टेंट से ज्यादा है। तो बेसिकली यहीं से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ, जो डिके होने का जो जो नेचर है वो y का ज्यादा है x से। लेकिन पूरा एग्जैक्ट क्लेरिफाई करने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन और दी है कि इनिशियली दोनों के जो एटम्स हैं वो सेम है, तो इनिशियल एटम सेम है, तो इसमें अगर मैं रेट ऑफ एक्टिविटी या रेट जो है चेंज होने की, न्यूक्लियस के चेंज होने की रेट, डिके होने की रेट जो है, जिसको अपन आर से लिखते हैं, वो जो होती है आप जानते हैं वो किसके बराबर आती है, वो होती है लैम्डा एन के बराबर। ठीक है, तो यहां पर आपका एन जो है वो दोनों केस में इनिशियल क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है एन जो है वो सेम है। तो यहां पर जो एक्टिविटी है या डिके रेट है वो किस पे डिपेंड करी, वो केवल और केवल लैम्डा पे डिपेंड करी, जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी एक्टिविटी उसकी डिके रेट ज्यादा। तो यहां पर y का लैम्डा ज्यादा है तो y की एक्टिविटी x से क्या होगी, ज्यादा, यानी यूं कहें कि y के डिके होने की रेट x से ज्यादा होगी। कुछ देखें ऑप्शन कौन से हैं, y विल डिके फास्टर देन x, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सिंपल सा थोड़ा सा जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे रिलेट कर सकते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट किस चीज को अफेक्ट करती है। तो बच्चों बात है कि अगर हम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हुए अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इंटेंसिटी से मैं डायरेक्ट बात करूंगा, कोई फॉर्मूला पे नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटेंसिटी का असर होता है फोटॉन्स के नंबर पर, ठीक है, इंटेंसिटी अफेक्ट्स नंबर ऑफ फोटॉन्स,
फोटॉन्स के नंबर पर असर होता है, लेकिन उन फोटॉन्स की फ्रिक्वेंसी, उन फोटॉन्स की एनर्जी और उस एनर्जी से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो इंटेंसिटी का असर है फोटॉन्स के नंबर पर, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने फोटॉन्स का नंबर ज्यादा, उतने फोटॉन्स जाके इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, उतना ही जो करंट सैचुरेशन करंट वो बनेगा। तो ये सारी बेसिक नॉलेज है जो हमें यहां लगानी है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, बोल रहा है इंटेंसिटी का असर किस पर होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन, सही है, इंसिडेंट एंड ऑल्सो इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, गलत है, क्योंकि मैंने कहा नंबर बढ़ेगा उस फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे भी कोई असर नहीं होगा। इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी, यही गलत हो गया, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी गलत हो गया, एक ऑप्शन बच रहा है देखते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन्स बिल्कुल सही, एंड द काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनचेंज, क्लियरली मेंशन किया कि अनचेंज रहेगी, तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, चौथा ऑप्शन, आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मास 4m, एक 4m मास का पार्टिकल है वो डिसइंटीग्रेट यानी दो टुकड़ों में बट गया m और 3m में, पूछा जा रहा है दोनों, अब 4m का जो मास है वो दो टुकड़ों में बट गया, एक 3m और एक m, वो दोनों टुकड़े दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, दोनों का कुछ ना कुछ मोमेंटम रहा होगा p1 p2 ऐसे करके, ठीक है, और हमको पूछा क्या जा रहा है कि द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द मास m टू मास 3m कितना होगा। तो बच्चों वेवलेंथ का रिलेशन है मोमेंटम से, ऐसा दिमाग में आएगा सीधा कि जो दोनों पार्टिकल है वो भाग रहे हैं, चल रहे हैं, चलने से जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा होती है वो होती है h बाय p, h तो कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ डिपेंड करती है मोमेंटम पर, और अगर हम बात करें मोमेंटम की तो बहुत बार इस तरह की चीजें मैकेनिक्स में भी पढ़ी हैं, एक पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट जब स्टेबल स्टेट में रेस्ट स्टेट में जो ब्लास्ट कर रहा है डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो दो पार्टिकल जो बनेंगे उनका मोमेंटम क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन से बात बड़े आराम से हम समझ सकते हैं, दोनों का मोमेंटम अगर सेम होगा तो डेफिनेटली दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, और वेवलेंथ सेम होगी तो दोनों की वेवलेंथ का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:1 होगा। तो क्वेश्चन आसान था, मोमेंटम सेम इसलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ भी सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई इज लैम्डा, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होता है, पूरा फॉर्मूला लिखे लैम्डा एच अपॉन रूट 2me के बराबर होता है, यहां पर लैम्डा और ई के बीच में बात करें तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई, ठीक है, या अगर मैं ई निकालूं स्क्वायर कर दूं और ई को इधर ले जाऊं तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख लो, या दोनों रिलेशन एक ही जैसे, पूछ रहा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी गिवन टू अ पार्टिकल। अब ऑब्वियसली बात है एनर्जी अगर इसमें बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगी, यही बात कर रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ रिड्यूस टू 75% ऑफ इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा थी, बोल रहा है कि घटकर 75% ऑफ इनिशियल हो जाए, इसका मतलब लैम्डा फाइनल जो चाह रहा है दैट इज 75% ऑफ इनिशियल यानी 3/4 ऑफ लैम्डा, इतना हो जाने को डिमांड कर रहा है, लैम्डा जो है इतना हो जाए, ठीक है, उसके लिए एनर्जी कितना चेंज करना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, हमें लैम्डा की इंफॉर्मेशन है, हमें इनिशियल लैम्डा पता है, हमें फाइनल लैम्डा पता है, हमें इनिशियल एनर्जी पता है, तो हमें फाइनल एनर्जी पता कर सकते हैं कैसे, इसी को यूज करके, देखो कैसे, ई इनिशियल ई था, इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा था, ये मेरी पहली इक्वेशन, एनर्जी ई है, वेवलेंथ लैम्डा है, नेक्स्ट केस में बढ़ाकर एनर्जी मैंने कर दी ई एफ, फाइनल एनर्जी मैंने कर दी ई एफ, और फाइनल वेवलेंथ जो है, फाइनल वेवलेंथ कितनी कर देनी, 3/4 लैम्डा, 3/4 लैम्डा का स्क्वायर करना है, ध्यान रखिए, तो 4 का स्क्वायर 16/9 लैम्डा स्क्वायर, तो ये फाइनल एनर्जी आ गई, ठीक है, और इसको फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर अपन कंपेयर करें, डिवाइड करें, किसी भी तरह से कर लें, चलो सेकंड और फर्स्ट को अगर अपन डिवाइड करें तो हमको बड़े आराम से ई एफ अपॉन ई 16/9 और ई एफ जो है दैट इज 16/9 ई के बराबर आता हुआ बड़े आराम से दिख रहा है, तो फाइनल एनर्जी 16/9 टाइम्स ई के बराबर है,
फाइनल एनर्जी, लेकिन हमको पूछा क्या उस पर ध्यान दीजिए, हमें पूछा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी गिवन, तो पहले ई थी और अभी बढ़कर कितनी हो गई 16/9e। सो मैं थोड़ा सा यहां इस जगह को यूज कर रहा हूं, चेंज इन एनर्जी क्या होगा फाइनल 16/9e और इनिशियल क्या थी e, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7/9e। तो बच्चों ये आपका एडिशनल एनर्जी है जो आपको एड अप करना पड़ेगा। सवाल को आप दोबारा एक बार देख लेना, मेरे सॉल्यूशन प्रोसेस को देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 7/9e। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, एक सर्किट दिया गया है डायोड और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, बहुत आसान सा, मतलब डायोड के सवाल है जरूर इनको अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों नॉर्मल सिलिकॉन डायोड है। अब नॉर्मल सिलिकॉन डायोड है, एक एक्स और वाई के बीच में आपने बैटरी लगाया, कौन से सिरा कहां लगाया है, 5 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट एक्स, तो मैं लगा देता हूं ना ऐसे, ऐसे 5 वोल्ट की बैटरी लगाइए, ऐसे लगाते ही आपको एक बात तुरंत क्लिक करेगी कौन सा डायोड फॉरवर्ड कौन सा रिवर्स। तो यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा बैटरी का प्लस सिरा जाकर D1 के P से जुड़ रहा है, तो ये वाला डायोड क्या होगा फॉरवर्ड बायस, और इसके N से जुड़ रहा है तो ये होगा रिवर्स बायस। क्रॉस क्यों किया मैंने, जो रिवर्स बायस डायोड है उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जो फॉरवर्ड बायस डायोड है उसमें से करंट तो पास होगा, लेकिन तब पास होगा जब उसका बैरियर खत्म हो जाएगा। अब सिलिकॉन डायोड के लिए यहां लिखा नहीं है, हमें पता होनी चाहिए वैल्यू। सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है सिलिकॉन डायोड का, वो होता है 0.7 वोल्ट। तो क्लासेस में हमने इस चीज को कैसे इंक्लूड किया कि 0.7 का बैरियर हटा के बाकी बचे हुए वोल्ट की वजह से करंट फ्लो कराना, इसको कैसे डील किया था, इस डायोड की जगह आप एक बैटरी लगा दीजिए कितने की 0.7 वोल्ट की, जो रिवर्स है उसको ओपन कर दीजिए, बाकी सर्किट एज इट इज, 5 वोल्ट की बैटरी 0.7 और ये 10 ओम, तो इसमें बीच वाली ब्रांच में से तो नो डाउट करंट फ्लो नहीं होगा। ये दोनों बैटरीज ऑपोजिट पोलैरिटी, ये अपोज कर रही है एक दूसरे का, तो सर्किट का जो करंट होगा वो होगा 5 - 0.7 और सर्किट का रेजिस्टेंस है 10, ये 4.3/10 यानी 0.43 एम्पियर। तो इस तरह से 0.43 एम्पियर आपका यहाँ करंट फ्लो होगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि सर्किट में डायोड प्रैक्टिकल है या आइडियल है, क्लियरली यहां पर लिखा है कि नॉर्मल सिलिकॉन डायोड है, नाम भी बोला सिलिकॉन, जर्मेनियम बोलता तो 0.3 की बैटरी लगाते। ठीक है, और अगर आइडियल होता तो सीधा प्लेन तार लगाकर सोल्व करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन कई बच्चे पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों एक सर्किट दिया है, एक यहां पर मशीन दी है, इस मशीन में ए और बी दो इनपुट्स हैं और हमको वाई आउटपुट की बात करनी है। अब ये जो दो इनपुट्स ए और बी हैं, इसमें देखो ए में टाइम के साथ वेरिएशन कैसे, बी में कैसे, तो यहां पर आप ध्यान से देखें, डायरेक्ट तरीका बता सकते हैं आपके सॉल्यूशन में, फंक्शन बनाकर दिया वैसे भी कर सकते हैं, हम फंक्शन बनाकर एक बार कर लेते हैं। चलिए फंक्शन बनाकर कैसे करेंगे, मतलब वाई का वैल्यू निकालते हैं ए बी के टर्म्स में क्या आएगा, तो सबसे पहले ये वाला कौन सा गेट है आइडेंटिफाई करना होगा। एक नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को शॉर्ट किया गया, इट बिहेव्स लाइक अ नोट गेट। ए का इन्वर्जन होगा, यहां मिलेगा आपको ए बार, नीचे से आया बी, ये कौन सा गेट है, नाम भी लिख रहा हूं ओर गेट, ओर क्या करता है जोड़ता है ऐड करता है, तो यहां पर मिलेगा क्या ए बार प्लस बी, फिर आगे एक जो ओरिजिनल नोट गेट है वो लिखा है, तो अल्टीमेट फाइनल आंसर आएगा ए बार प्लस बी का होल बार। यहां तक छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा और सोल्व करें, डिमोर्गन्स लगा सकते हैं, ए का डबल बार इंटू बी का बार, डिमोर्गन्स लगाएंगे होल बार ब्रेक होगा और प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ए का डबल बार ए इंटू बी बार, ये आपका फाइनल फंक्शन बन गया। इसके अकॉर्डिंग आप वाई लिखिए, इसके अकॉर्डिंग वाई निकालिए। अब कैसे समझिए, अगर मान लो यहां पर मैं बात करता हूं 0 से 1 सेकंड की, तो 0 से 1 सेकंड में ए का वैल्यू कितना है, पल्स ऊपर है, ऊपर होने का मतलब वन, बी यहां पल्स है ही नहीं मतलब 0, तो शुरू में अगर मैं लिखता हूं a1 और b0, तो 1 और 0 यहां पुट करो, y क्या आएगा a1 b0, 0 का बार क्या होगा, 0 का बार है ना ऊपर, b का बार है, 0 का बार 1, तो ये आ जाएगा 1 into 1 1 1 into 1 1, तो फाइनल जो y आएगा 1, जब आपका a1 है और b0 है तो y आएगा 1। तो इसमें आप ऑप्शन में देखिए कि फर्स्ट स्लॉट में 0 से 1 सेकंड में 1 कहां है, किस में है, पहले ऑप्शन में है हो सकता है, दूसरे में 0 से 1 में है ही 0,
तो ये आउट हो गया। तीसरे में पूरा जीरो आउट हो गया। चौथे में भी जीरो से वन के बीच में वन है तो ये भी बनता है। तो पहले और चौथे में फिर डिसाइड करना है। एक और इनपुट पुट करके देखो, दूसरा इनपुट एक से दो सेकंड के बीच में देखो, ए वन है बी भी वन है, ए की पल्स ऊपर है बी की पल्स भी ऊपर है, दोनों वन वन है। पुट करते ए भी वन और बी भी वन, तो वाई देखते हैं क्या आएगा। इस फंक्शन में पुट करो, ए की जगह वन, बी की जगह वन, वन का बार, वन का बार जीरो होगा, फाइनल आंसर आएगा जीरो। इसका मतलब आपका वाई जीरो हो जाना चाहिए जब ए वन बी वन है, सेकंड स्लोट में एक से दो सेकंड के बीच में जीरो हो जाना चाहिए। यहां पर देखो वन में तो वन वन ही चल रहा है, इसका मतलब ये आउट हो गया और फाइनल आंसर। तो आप फंक्शन बनाकर कर सकते हैं, बिना फंक्शन निकाले भी कर सकते हैं बच्चों। आपको करना क्या है, खाली ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो, यहां वन यहां जीरो, पुट करके इसको चला देना। वन जीरो पुट करके देखिए वाई क्या आ रहा है, फिर वन वन पुट करके देखिए, वन वन पुट करके देखिए वाई क्या आ रहा है। केवल दो इनपुट आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जा रहा है। और हर तरह के इस तरह के सवाल में मान लीजिए कि एक दो या हद से हद तीन इनपुट्स पुट करते ही आपकी फाइनल वेव फाइनलाइज हो जाती है, ऑप्शन एलिमिनेट होके फाइनल आंसर दिख जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने किया, फंक्शन बनाकर किया है जैसा सॉल्यूशन में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीनर डायोड का क्वेश्चन है, 100 वोल्ट लगाया है और अब यहां पर 2000 ओम ये लोड रेजिस्टेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, इसमें डायोड को एक बार एब्सेंट मानते हुए इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं कि भाई ये लोड पे वोल्टेज आ कितनी रही है। तो अगर मैं लोड की वोल्टेज निकालूं तो ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। अगर मैं इसको छोड़ दूं एक बार एब्सेंट के लिए, एब्सेंट मान लूं, तो यहां पर लोड पे जो वोल्टेज आएगी इस रेजिस्टेंस में वो आएगी 2000 अपॉन, ये बेसिक एक पेट तरीका है, 2000 प्लस 1000 RL अपॉन RL प्लस RS इनटू अप्लाइड वोल्टेज 100। तो ये अगर देखें तो ये हो गया 2/3 इनटू 100, ये 200/3 या ये आपका लगभग आ गया 66.6 वोल्ट। अब आप देखिए अगर डायोड प्रेजेंट नहीं होगा ना तो यहां पर 66.6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, बट यहां पर डायोड प्रेजेंट है और ये वोल्टेज आपकी जीनर वोल्टेज से ज्यादा है तो हम ये बोल देंगे कि हाँ डायोड का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन अकर्स। और जब ब्रेकडाउन होगा तब हम ये बोलेंगे कि जो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज जीनर डायोड की है वही इसको मिलेगी, वीएल 66.6 नहीं मिलेगी। ये पार्ट हमने क्या किया, ये चेक किया कि ब्रेकडाउन हो भी रहा है या नहीं होगा, ठीक है। तो अब लोड की वोल्टेज वीएल इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 होगी, ध्यान रखना। यहां पर 50 है, इसमें IL का वैल्यू निकाल लोगे, सो IL यहां आएगा VL अपॉन RL, आपका लोड पे वोल्ट, लोड की वोल्टेज 50 है जीनर वोल्टेज के बराबर, नीचे 2000, ये आपका 2 से इसको कट किया, 25/1000 हुआ, दैट इज 25 मिली एम्पियर, यानी लोड में जो करंट आएगा वो 25 मिली एम्पियर आएगा IL। उसके बाद यहां पर आपने 100 लगाया, यहां 50 ड्रॉप हो गया, तो यहां बचा हुआ 50 यहां ड्रॉप होगा, यहां 50 ड्रॉप होगा, तो ये वाला जो करंट I शो किया है वो I निकाल लेते हैं। I कितना होगा, 50 बाय 1000, इसका मतलब कितना हो गया, 50 मिली एम्पियर। मतलब ये हुआ पीछे से आया 50 मिली एम्पियर, लोड में गया 25 मिली एम्पियर। तो बताओ बाकी 25 कहां गया, बाकी 25 जो जाएगा वो जीनर डायोड में चला जाएगा, जीनर डायोड में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर क्वेश्चन में IZ का वैल्यू पूछा था जो लास्ट में निकल करके आया, 50 आया, 25 लोड में, 25 जीनर डायोड में, आंसर क्या हो जाएगा, 25 मिली। ये पूरा प्रोसेस बताया बच्चों कि इस तरह से सवाल को चेक करते हुए ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा फिर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में डीके रेडियोएक्टिव प्रोसेस द ग्राफ बिटवीन एल एंड आर, लोग आर एंड टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऐसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, हमें आर और टी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। एक्टिविटी आर बराबर आर नोट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है, इसमें एल एन आर के बीच में कर्व दिया है तो एल एन यानी लोग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, लोग एल एन आर बराबर एल एन आर नोट, यहां दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, लोग रूल लगाएंगे, एल एन आर नोट प्लस एल एन e टू द पावर माइनस लैम्डा टी लिख सकते हैं। एक स्टेप और लिख देता हूं, एल एन आर नोट, ये e की पावर जो है वो आगे आ जाएगी, माइनस लैम्डा टी हो जाएगा, एल एन ई वन होता है, ये सामने है एल एन आर, तो ये आपका इक्वेशन बना। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, आपने एल एन आर को वाई पर प्लॉट किया, आपने टी को एक्स पर प्लॉट किया, तो अगर इसको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी,
एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो यहां पर देखें जो m है वो किसके बराबर आ रहा है, लेमडा के बराबर, यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर आ रहा है, लेमडा के बराबर। इससे हमको इन्फो मिल गई, रटने की जरूरत नहीं है। इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, इस लाइन का अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालें क्योंकि नेगेटिव होगा ये तो हमको पता है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस लगा सकते हैं। इसका परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, 6, बेस कितना है 10, 20, 30, 40, तो यहां पर जो एम का वैल्यू है, एम का वैल्यू है या जो आपका डिके कॉन्स्टेंट है लैम्डा, वो किसके बराबर आ रहा है, आप इसको एम नहीं डायरेक्ट लैम्डा लिखिए क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। सो लैम्डा क्या होगा, 6 बाय परपेंडिकुलर बाय बेस 40, यानी लैम्डा आपका आ गया 3 बाय 20। क्वेश्चन में लैम्डा नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हाफ टाइम, तो हाफ टाइम का जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, लैम्डा पता चला तो हाफ टाइम आ जाएगा, लैम्डा ln 2 बाय लैम्डा फॉर्मूला होता है, ln 2 आपका 0.7 ले लीजिए अप्रोक्स, 0.693 होता है, 0.7 अपॉन 3 बाय 20, ये 20 ऊपर जाएगा बन जाएगा 14 बाय 3, दैट इज 4.6 के अराउंड आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें 4.6 क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो है, तो आप देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना था, ln लेना था, इस ग्राफ में कंपेयर करके स्लोप निकाल के और हाफ लाइफ निकालना था। अच्छा सवाल है, ठीक है, थैंक यू।